हाँ सच में मैडम तो मैडम मैडम कितनी खूबसूरत है यार यार ये मैडम है देख तो जरा देख यार क्या है कितनी प्यारी लग रही है Good morning, class. Good morning. Hence proved. Any doubts, anyone? Ma'am. या रश्मि मैम आप देखने में सिनेमा की हीरोइन जैसी लग रही हैं। ये फैंटेसी है ना तो कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट करें क्या? ये है हमारा कॉलेज। हीरोइंस आकर मैथ्स की क्लास लेती हैं। पीकर इतना शोर कर रहे हैं। लाइफ में एंजॉय कर यार, उनको जो भी करना है करने देना यार। ट्रेलर ही ऐसा है तो सिनेमा कैसा होगा? ट्रेलर ऐसा है तो सिनेमा कैसा होगा यार? इस बार एग्जाम में पास होना है, मुझे भी पास होना है। क्या हुआ, मिला क्या? अरे रुकना, ढूंढ रहा हूँ। क्या यार, किसने बेल बजा दिया? सारे बज गया। चलो चलो भाई चलो। कहाँ जा रहे हो? दूसरे सायरन से पहले रूम में नहीं गया तो मेरा वार्डन मुझे मार देगा। हेलो, बाय बाय। प्रोटेक्ट करके थक गए हैं यार, चलो KFC से ऑर्डर कर देते हैं। अरे यार एकदम परेशान हो गया हूँ। मिल गया यार। बढ़िया। हाँ क्या? वोदका? बैटरी रेडी है। लाइटर रेडी। डियो स्ट्रिंग। हाँ।
आई होप एवरीबडी इन द रूम मेंटेन द डेकोरम। अरे यार काम करेगी ना? 99.9% करेगी, शाबाश। हे राजा संभल कर रहो, ये इलाही राजा का म्यूजिक नहीं है, अखंड बीजीएम आने वाला है। आज तो इसकी फटेगी। हे आजा, जल्दी जल्दी चल 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 चल, डोर बंद कर। बॉम्ब बनाने में 7 घंटे लगे हैं। 7 घंटा? वन टू थ्री। अबे 7 घंटे लगाए थे बॉम्ब बनाने में। इसको तो ब्लास्ट हो जाना चाहिए था। यस। अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? कैसा लगा? ओपेनहाइमर। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, ऊपर देख। अरे देख क्या हो रहा है, ये आवाज कैसी है, ये क्या हो रहा है? अरे कौन था वो? अरे यार ये बम क्या फट रहा है, कहां से आया? चल चल देखते हैं, आजा चल देखते हैं क्या हो रहा है ये सब। I want everybody to assemble in the courtyard right now. अरे इसका फिर से दिमाग खराब हो गया। Come on guys, Independence Day का speech सुनते हैं। ये मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देगा। With your uniform. यार। मेरे हिसाब से वो bomb blast ही better था यार। Hey, one arm distance ले लो। Sound मत करना। I want pin drop silence. ये hostel है या fish market? Hey, one arm distance लो। सुनाई नहीं देता क्या? Bloody idiots of India, I have never seen such a worst batch. Bomb किसने लगाया? किस रास्कल ने किया ये? क्या लगता है किसकी गैंग ने किया यार? तो मुझे क्या पता होगा यार? पढ़ाई करने वाले बच्चे कहीं ऐसा काम करते हैं? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर मैं मर गया होता तो वार्डन छोड़ो, मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मिनिमम रिस्पेक्ट भी नहीं देते हो तुम लोग मुझे। हॉस्टल के बाहर तुम लोग कोई भी लस्सी पी लो, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। यहाँ जो मैं दूंगा वही पीना पड़ेगा। टकले। मेरे कान में भी आंखें हैं, आवाज सुनकर बता सकता हूँ कौन है। तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, मेरे साथ गेम्स खेलते हो? पर सच में वो नहीं था सर। मैं बात कर रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रहा हूँ? तुम लोगों को क्या कमी की है मैंने? अपने बच्चे जैसा ख्याल रखता हूँ तुम लोगों का। रात में ठंड के लिए ऊटी से स्वेटर और मंकी कैप लेकर आया था, एक बार भी उसका इस्तेमाल किया है क्या? ग्रेटिट्यूड है ही नहीं रास्कल। सर कोई बेवकूफ कुछ भी करेगा और मेरा टाइम बर्बाद करेंगे क्या? नेक्स्ट मंथ एग्जाम है सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पढ़ाई करना है। ये टेक्स्ट बुक जिसने लिखा है उसके ओनर का नाम भी तुझे नहीं पता? ओनर बोल रहा है भाई, एग्जाम लिखेगा। हे वॉचमैन, बाहर से गेट लॉक करके तुम घर चले जाओ। ये जिसने भी किया है सामने आ जाओ, नहीं तो हॉस्टल में सबको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दूंगा। सर आप ऐसा करेंगे तो हम प्रिंसिपल से कंप्लेंट करेंगे। डाउन डाउन। हाँ डाउन 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 डाउन। प्रिंसिपल ही नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर को भी जाके बोलो तुम एक बाप की औलाद हो तो मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। वन फादर वन सन कम फ्रंट। मैं होता तो तक सुसाइड कर लेता। डिस्पर्स। हे हटो। अभी मज्जा काशी अजीत राणा चलो रूम में। राणा पैकेट निकाल रहे। क्या करे, क्या करने वाला है यार? सब उसको खा के उसके दरवाजे पे थूकेंगे। ये पैकेट नहीं रे, वो पैकेट। ओ राजा तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। Naughty boy. वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी जलजीरा मंकी कैप पहन के आ रहा हूँ देखो। रुकना मत राजा। हाँ बिल्कुल नहीं रुकना।
नॉक नॉक। कौन है वहाँ? हम ही है सर। कीड़े मकोड़े। आजकल तुम लोग मर जाओगे मेरे हाथों। कैमरामैन टेक द शॉट ए, मास्क पहन लोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? वॉइस सुनकर पता लगा लूंगा मैं। ए, कौन हो तुम लोग? आचार्य देव, कुछ कहना है क्या कहना है? ये छात्र परीक्षा है लेकिन क्षत्रिय परीक्षा नहीं है। आप क्यों? मैं इसे संभालूंगा। शुरू करो। ए, हाथ में क्या है? जानता नहीं मैं कौन हूँ। आपका ईगो अंदर होगा लेकिन मेरे लिए वाईफाई जैसा है। क्या है ईगो? क्या है वाईफाई? बस हो गया है, ये सोचना मत। अभी शुरू हुआ है। हॉस्टल में किसी को भी छोड़ दूंगा लेकिन तुम छह लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ओहो भैया, ये बेकार की मीटिंग क्यों हो रहा है? कब से हम यहाँ पर आए हैं? बुलेट नहीं है क्या आपके पास? तेरी तो अरे यार, देख क्या रहा है? इसको पहन के हमें कोई नहीं बचाने का। ओके यार, यार मेरी मंकी कैप कहाँ है? कुछ तो पहन के आओ। इस कमीने ने बोतल कहाँ रखा है? शायद फ्रीजर में होगा। ओहो, नीचे है क्या? हाँ, ब्लैक ब्यूटी। बिग बॉस, आज आप सबको एक टास्क देने वाले हैं। मेरे रूम के अंदर है वो कमीना। वार्डन दिखाई दे तो उसे शूट करके मार डाल। अभी से आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए मैं भगवान से सहयोग देने के लिए विनती कर रहा हूँ और ये बिग बॉस का ऑर्डर है। हमारे जिंदगी खराब कर दी तूने। ए, सबके सब अपने रूम में जाओ। आज तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। मारो इसे, छोड़ना मत। रुको रुको, मेरे हार्ट में होल है, मार दोगे क्या? इसका तो अब चांस ही नहीं है। पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स भी जेल जाएंगे। रुकावट के लिए माफ करें, एक छोटा सा बच के छोड़ूंगा नहीं। चल, क्यों रोका तुम लोगों ने? कौन आएगा देखते हैं, कौन रोकेगा हमको? हाँ, सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे बॉर्डर की हवा टाइट होने वाली है, इसलिए आप सबको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। अब ये बॉर्डर नहीं बचने वाला है, ये ही कई की हेडलाइंस होगी। तो फिर शुरू हो जाओ। मिस्टर इंडिया मिस हो गया है। ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके सक्सेस करने वाले को फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी दोस्तों की तरफ से धन्यवाद। इस प्रोग्राम में कितना मजा आया। ऐसा प्रोग्राम महीने में एक बार हो तो उसका अलग ही किक होता है। हाँ, बच गया। चलो उसका खून पी जाऊंगा। स्वामी, आप यहाँ है क्या? अरे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? असली खेल तो अब शुरू होगा। अरे जफ़ा, ब्रोकन इंग्लिश में स्पीच देकर बुक लिखने वाले को ओनर बोलते हो क्या? तेरी तो छोड़ूंगा नहीं। ए, मैंने ही बॉम्ब लगाया था। सर, वो मैं नहीं हूँ सर। जो भी करना है वो कर लो। ए, कौन है वो? ए, तूने मुझसे पंखा क्यों लिया? सर, वो सब झूठ बोल रहा है सर। अरे मुझे छोड़ दो ना, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? एक दूंगा तो कौवे जैसे उड़ेगा। सब चाहिए क्या तुझे? नहीं। धक्का देना है क्या? धक्का देना है। सर, मैं क्यों धक्का दूंगा? धक्का दूंगा सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं धक्का दूंगा। क्या हो गया? लेट देम एंजॉय यार, सबको पी के एक दिन मरना ही है ना। अरे यार, अरे मैंने धक्का नहीं दिया है सर। अरे ये क्या हो गया? ये क्या? राजा अजीत, अभी राणा, प्रसन्न, राशी, साध्याना। ये तो नीचे गिरने से पहले ही मर जाएगा लगता है। मर गया, ये तो मर गया यार, वो मर गया। बॉयज बॉयज बॉयज, पैनिक मत हो यार, चिल्लाओ मत। पहले बॉडी को लेकर रूम में चलते हैं। अब तक तो हम अब तक तो सर बोल रहे थे, अब बॉडी क्यों बोल रहे हो भाई?
लाइफ ऐसी ही होती है, जिंदा रहने तक ही सर भाई मास्टर ये सब, मरने के बाद तो बॉडी है, बस बॉडी ही है। चलो बॉडी को उठाओ, उठाओ। उसका ऐसे ही गला नहीं काटना चाहिए। हाँ यार सही कहा। अरे यार सब फंस गए, क्या करें अब। बॉडी को डिस्पोज करते हैं, फिर बॉडी को टेरेस पे ले जाके जला देते हैं। इनकी तो आग देखकर भाभी को समझ कर आ जाते हैं। अबे क्या बुड़वक वाला प्लान है, ये काम नहीं करेगा। बॉडी को कट 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 करके छोटे छोटे पीस बना देंगे, वो ले जाकर वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, उसके बाद गिर गिर ग्राइंड हो जाएगा सब कुछ। वो ग्राइंडर नहीं है, वॉशिंग मशीन है। टेंशन में जाकर डॉक्टर से मिलो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरा दिमाग खराब है। जाके ट्रेन के आगे डाल देते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कैंपस से बाहर कैसे जाएंगे सर, थोड़ा कॉमन सेंस है सर, छोटे बच्चे भी इससे अच्छा आइडिया देते हैं। ए, तू कुछ भी बोल रहा है यार, पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है और तू नेगेटिव सोच रहा है। बॉडी ले जाकर वेंकी के रूम में डाल देते हैं। धीरे से बोलना यार। बॉडी और वेंकी का क्या लेना देना है, उसे हॉस्टल में कोई पसंद नहीं करता है। बॉडी को उसके यहाँ डाल देंगे तो उसने ये काम नहीं किया ये बात कोई नहीं मानेगा। डन। लेकिन इस टाइम वो दरवाजा क्यों खोलेगा? इस किताब के स्मेल से पागलों की तरह आ जाएगा। ये प्लान भी वर्क नहीं करेगा। नेचुरल एक्टिंग करो, मुझे तो कुछ गलत लग रहा है यार। वो बंद कर यार। वेंकी 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 देखो मैं क्या दरवाजा खोलो। वेंकी 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 बंद करो। ए वहां जाकर देख। वेंकी फॉरेन ऑथर का बुक लेकर आया हूँ, फर्स्ट कॉपी है। वेंकी की एज क्या है, क्या हो गया, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? भाई वेंकी ने सुसाइड कर लिया है। वेंकी ने डोर ओपन किया क्या? यार वेंकी ने सुसाइड कर लिया। हाँ हाँ वेंकी क्या क्या किस्मत है यार। सस्पेंड होने के डर से किया होगा। बेचारा बहुत अच्छा इंसान था, उसे हॉस्टल में कोई पसंद नहीं करता। अबे तेरी तो, तुझे देखना चाहिए था, बहुत अजीब लग रहा था वो। ये भी मर गया और वो भी मर गया। बॉयज इस टाइम में इस तरह की बात करना गलत लग सकता है, लेकिन बॉडी को वेंकी के रूम में डाल देंगे तो वेंकी ने ही वार्डन को मार के सुसाइड कर लिया ऐसा लगेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पहले हम लोगों को बचना होगा, बाकी का बाद में देखेंगे। बॉडी उठाओ उठाओ बॉडी उठाओ बॉडी उठाओ ना। चलो उठाओ आराम से, ले चलो ले चलो 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 चलो। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। ए, तू कौन है? ये कब से दिखाई दे रहा है? प्रोड्यूसर मिला तो मेरे बेटे को कोई कैरेक्टर रोल देने के लिए बोलता है ना, वही है ये। एक बात बता, गेट तो बंद है ना, फिर हम बाहर कैसे आ गए? अब वो लॉजिक कौन पूछेगा। वो ठीक है, हमें ये बॉडी लेकर आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं होगा ना। भाई ये हॉरर थ्रिलर है, लॉजिक मैटर नहीं करता, प्लीज देखो ना। अरे भाई मैं कहाँ दुखी हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भूत बन गया। बनकर ये सब बहुत ओवर नहीं लग रहा है क्या? भाई इसके बाद एंड कार्ड डाल दूंगा, जरूर काम करेगा, विश्वास करो। इसको सभी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में भेजूंगा, रोलिंग टाइटल्स में तुम्हारा भी नाम होगा, इसे देखकर तुम्हारे माँ और पापा बहुत खुश होंगे। कहानी कैसी है बॉयज? हे राजा, हो गई तेरी कहानी? ओ बच गया। इसके लिए प्रोड्यूसर मिला क्या भाई? नहीं भाई ढूंढ रहा हूँ। मिले तो उससे एक बात बोलना, कुछ भी हो जाए लेकिन सुसाइड मत करना ठीक है, ये बोल देना। अच्छा नहीं लगा क्या? बेकार है, कितनी फिल्मों में देखा है हमने ऐसे, और कौन से हॉस्टल में होता है ऐसा। वार्डन को मार के उसकी आत्मा का सर उल्टा घुमा है क्या कभी? लाइट ट्रैवल, और एक सिनेमा की हीरोइन उसके शॉर्ट फिल्म में एक्ट करेगी क्या? हमारे हॉस्टल को कभी देखा है क्या? भाई बुर्ज खलीफा का नया वीडियो आया क्या?
क्या कर रहा है? चलो इसमें तो पानी ही नहीं आ रहा है। ए, बाथरूम में गरम पानी नहीं आ रहा, क्या हो रहा है यार? चलो प्रोटेस्ट करते हैं। ए, इसे कोई खाना कहता है क्या? चलो प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा तुम्हारे लिए और थोड़ा तुम्हारे लिए, हम सब एक ही हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अरे देखो जरा, सच में मैं ही गणेश हूँ, मुझे प्रसाद दो। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। इस बार परीक्षा में पास करवा दीजिए सर। ये नाचना बंद करो। अरे जल्दी देना ईश्वर हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हे, डिस्ट्रैक्ट होना मत, मेरी बात सुनो। सर और कितना देर सर? मैं फिर से आऊंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। करते रहो, साले तक करते रहना। तो कितना पेड़ है ना ये? मैं जा निकल, पागल कहीं का। टाइम देखो, 9 बजे। चलो निकलो यहाँ से, चलो। इसने कहानी लिखी तो यही हीरो होगा क्या? इसने कहानी लिखी तो यही हीरो? ये चाहता है कि यही हमेशा लीड रहे। तुम्हारे पास लीडरशिप स्किल्स है भी क्या? बॉल को देखकर ही डर रहा है ये बेवकूफ। और ये बॉम्ब रखेगा? सिनेमा में रियलिटी होनी चाहिए भाई, इसमें स्टोरी नहीं है ना, स्ट्रक्चर है, कौन देखेगा? अबे मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा हूँ, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, और फिल्म में थोड़ा ओवर दिखाना पड़ता है। कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम लोगों में? वो सब तो ठीक है, पता है ना कल एग्जाम है, 11 सब्जेक्ट और 2 साल बैकलॉग रख के इतना घटिया आइडिया तुम्हें आया है, मानना पड़ेगा। ए, 4 महीने से ये कहानी सुना सुना कर दिमाग खराब कर रहा है। अबे मैं क्या आज ही शूट करने के लिए बोल रहा हूँ क्या? एग्जाम्स के बाद ही शूट करेंगे ना यार। सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, हमें क्या करना है? 6 महीने हो गए घर जाके, मुझे क्या तेरे दोस्त जैसे समझ रहा है? 3 दिन कहकर 6 महीने के लिए यहीं पे सेटल होने के लिए? अरे छोड़ो ना, जाने दो उस बात को। फिल्मों में जाना है ये बात बोला तो घर से निकाल दिया, एग्जाम्स होने के बाद खुद ही उसे भेज दूंगा। भाई 31 साल की उम्र में शॉर्ट फिल्म बनाने की बात करेगा तो कौन रखेगा इसे? इसको रहने दो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हर जगह कैमरा लेकर आ जाता है। गुड मॉर्निंग ब्रो, जोकर आया क्या? हे, चल निकलना। हॉस्टल में बिना दरवाजा बंद किए ऐसे ही नहाते हो क्या? मैं यहाँ हूँ, अगर इसको पता चल गया तो सबकी बैंड बजा देगा। हॉस्टल में सबका डीओ यूज करता है, ये उसकी पुरानी आदत है। हाय ब्रो, बॉयज हॉस्टल के बगल में ही गर्ल्स हॉस्टल है। ए, देख तो। लेकिन ये लोग क्या देख रहे हैं? इस रेस्टोरेंट में बैठ के लोग खाना खाते हैं। ए, निकल यहाँ से, खाने दे। खाने के बाद करंट गया तो सीन ही बदल जाता है, नाइट विजन में देखो। ए, 50 50 50। अभी नहीं को देख लो। अजीत तुम्हें इसकी सीरियसनेस पता नहीं चल रही है, वार्डन को पता चल गया तो खत्म। ब्रो मैं हॉस्टल लाइफ के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। तुझे ठीक से कैमरा फोकस भी करना नहीं आता, क्या शूट करेगा? मैं तो सीख रहा हूँ। कहाँ से? यूट्यूब से। तो हो चुका। ये गलती तुम लोगों की नहीं है, तुम्हारे जनरेशन की है। राजा वो चार्जर देना, बैटरी 2% है। मेरा भी 2% ही है। 98% है ना? अरे फुल होने के लिए 2% बाकी है ना। ये एग्जाम नहीं है, 100 out of 100 लेने के लिए। चल दे। ए अजीत, कल बस में या ट्रेन में? भाई मेरी सिगरेट देना। ए, मैं नहीं देने वाला। देना, 3 महीने से 1 सिगरेट देने के लिए मना कर रहा है। भाई ये सेल्फ कंट्रोल के लिए सिगरेट है, मैं नहीं देने वाला। पता चल रहा है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल रात में। ए भाई रुकना, कहानी कैसी है बताना। देख भाई कल है एग्जाम, मुझे पढ़ाई करनी है, हाथ में 7 घंटे हैं, 1 घंटे में 1 यूनिट कंप्लीट करता हूँ तो भी पास हो जाऊंगा। ए राजा, राजा कल मेडिकल लव स्टोरी सुनाई थी, वो कैसी थी? बोलना। ए, मुझे छोड़ दो,
तुम डॉक्टर बनोगे लेकिन डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। कैमरा ऑफ करने के लिए बोलो, ये बिग बॉस का घर नहीं है, कपड़े चेंज करने हैं मुझे। जूम करो जूम करो। बताओ ना अजीत। ऑफ करो। अरे ऑफ करो। आया गलत दबा दूं क्या? वैसे तो एग्जाम के पहले ही दिन ये लोग पढ़ाई करते हैं, उसके पहले सब इंजॉय करते हैं, लेकिन रात में। काशी ब्रो क्या हुआ ब्रो? अभी अभी वार्डन मर गया। क्या हुआ? क्या बोल रहा है? अबे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ए, पेपर लीक हो गया क्या? क्या हुआ भाई? रुक जा। अबे हुआ क्या है वो तो बता। ये क्या किया तूने? ये तूने क्या किया? इसी ने किया है। ए मैंने क्या किया? मैं तो चाय पूछने के लिए आया था यार, आगे देखा तो मरा पड़ा था। मेरे से पूछोगे तो कैसे बताऊंगा भाई। हम पहले ही चेक कर चुके हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। डैम इट मैन, इसे क्या प्रॉब्लम थी? इसके ऊपर ऑफिस से प्रेशर हुआ होगा, फैमिली प्रॉब्लम हुआ होगा। कैसी फैमिली? उसकी बीवी और बच्चे दोनों ही नहीं है। ए, क्या यार तू डेड बॉडी के सामने भी कैमरा ला रहा है? भाई तुम जाके प्रिंसिपल को कॉल करो, तुम एम्बुलेंस बुलाओ। जाओ राजा। हाँ? तू जाके वॉचमैन को बुला। हाँ? जा। अरे यार ये फोन क्यों नहीं लग रहा? तो अब करेंगे क्या? मुझे अजीत थोड़ा अलग लग रहा है, ये सब कहीं देखा हुआ लग रहा है। सर तुंगा बॉयज हॉस्टल में एक एम्बुलेंस चाहिए सर, इमरजेंसी है। क्यों? क्या कर रहा है? बुरा खिला उठ। ए राजा। अबे तू इस समय क्या खा रहा है? बॉडी टच मत करना, फिंगरप्रिंट्स खराब हो जाएगा। रे, 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 रे। चिल्ला का रहे हो बे, कोई मर गया है क्या? करेक्ट आंसर, आके देखो। जा तू भी देख ले। सर सर वीआईपी आया है, उठिए ना। अरे क्या बेवकूफी की हो तुम लोग? ए, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे से पहले ये आया था। मैंने कुछ नहीं किया, चाय कब आएगी ये पूछने के लिए आया था। बंद करना यार, तब से चाय चाय किया जा रहा है। लगता है मर गया ये वार्डन। अबे तुझे हंसी आ रही है? भाई ये जरूर सुसाइड नोट लिखा होगा। प्रिंसिपल के नाम लिखा होगा, ढूंढो हर जगह। जल्दी जल्दी ढूंढो। कहाँ रखा होगा? फटी हुई चड्डी। सर एम्बुलेंस नहीं चाहिए, वो बस नॉर्मल सा हार्ट अटैक था। अरे इधर भी नहीं है। अरे ये वार्डन को क्या हुआ है? क्या कर रहा है? इधर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अबे कितना गोली खाता है बे? पॉकेट में एक बार चेक कर। लेटर लिखा तो होगा ना? अरे नहीं है। अबे दूसरे पॉकेट में चेक करना। अबे तू ही चेक करना, मेरा नया टी शर्ट खराब कर दिया। बोलता है चेक कर कतई नहीं करने वाला चेक। मिल गया तोहफा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अबे उल्टी कर दी। ये क्या भाई लोग, फोन करके वार्डन को रूम में बुलाया, वो नहीं है क्या? अबे क्या है ये सब? हाँ फोन बताना। दोपहर को बोला बिरयानी में चिकन नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया? कर दी उल्टी इसने। चिकन छोड़ा, लेटर को देखो, इसने खा लिया था, वार्डन मर गया। हाँ? है अरे वार्डन के साथ तुम लोगों ने क्या किया? अच्छा हुआ कि ये लेटर मुंह से निकला, कहीं और से निकलता तो। अबे दूर रखना। कितनी बदबू। द प्रिंसिपल अग्निविद्या कॉलेज तुंगा यूनिवर्सिटी, फ्रॉम रमेश कुमार वार्डन तुंगा बॉयज हॉस्टल, सब्जेक्ट रीजन फॉर कमिटिंग सुसाइड। ये क्या लिव लेटर जैसा दिख रहा है ये? डियर प्रिंसिपल। अरे मेन कंटेंट पढ़ना। हाँ। I read this letter in deep sorrow. I have seen things that I have also got pain because of this. Students. Students. First name Durga ya alias अरे, Durga. मैंने क्या किया है? ए कैमरा बंद करो यार, बंद करो यार। ए अजीत उसे बंद करने के लिए बोलना। बाद में डील कर सकते हैं। यार रिकॉर्ड होने दे, नहीं तो लोग समझेंगे कि हम ही ने मारा है। हाँ चलें दे चलें दे। He has given all the hostel students rotten next to throw the walls and rooms. So bad smells coming in hostel. I gave my pension money to clean. ची. Number two Vijay. Kulkarni है ना? नहीं Vijay Naidu है. Stolen the petrol from tank and dozen piece of car tank. अजीत. अजीत किम कजन इन रूम एंड आउटसाइडर इन द हॉस्टल, ही आल्सो थिंक्स आई नॉट नोटिस। बोला था इस मोटू को यहाँ मत आने दे। राजन आलियास राजा, आई पर्पसफुली, ही इज नॉट फ्लशिंग द बाथरूम, मेकिंग डर्ट स्मेल इन द हॉस्टल। इतनी सी बात से कोई मरता है क्या? अरे रुकना, देविक। देविक को क्या? ही इज स्टीलिंग फूड फ्रॉम हॉस्टल मेस एंड आल्सो माय रूम। मैं वो नहीं हूँ। बाप रे, जेवियर का नाम भी है तो ठीक है। भाई जल्दी जल्दी पढ़ना। ठीक है, जेवियर दीपक अलियास डीसी, रन्ना सोमराज अलियास सोल्लू काशी। ए हटा इसे। ए अभी तुम्हारा नाम नहीं है, फिर तुमने लेटर क्यों खाया भाई? हाँ बताना। इधर लिखा है देखो, ए बी एच आई इन कैपिटल लेटर्स, दिस ब्लडी रास्कल spreading rumors to everyone that I after all a driver and not fight for my country. This hurted me most. P.S. This is the worst batch of my life.
सब कुछ खत्म हो गया विजय, कल से हम खाना जेल में खाने वाले हैं। क्या होगा यार, समझ रहा हूँ। अरे यार इतना पैनिक क्यों हो रहा है भाई? अरे पैनिक ना हो तो क्या करूँ, पैनिक होने की बजाय यहाँ डांस करूँ क्या? अरे बाकी लोगों का नाम भी लिखा है ना, उन्हें भी बुलाओ। ठीक है जाओ, लेकर आता हूँ। अरे क्या करूं, इस पाप को कौन से साबुन से धोऊं? अबे टॉयलेट गया तो कोई मर जाता है क्या? देखो तो जरा इसे, पता नहीं आर्मी में कैसे काम किया होगा। इस वार्डन की तो वेस्ट इंडीज का प्लेयर लगता है। तो अरे क्या हुआ? अरे टेंशन इससे क्या पूछ रहे हो, किसको पता है कि क्या हुआ है? सच बता, हम अभी भी तेरी कहानी में है ना? हे क्या बात कर रहा है यार, तूने जैसा बोला था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हमने वार्डन को मारा था ना तेरी कहानी में। हे भाई तुम टेंशन में कुछ भी बोल रहे हो। हाँ मेरी कहानी में हम सब मिलकर वार्डन को मारते हैं, लेकिन यहाँ तो वो सुसाइड करके मरा है ना। दोनों कहानी में क्या कनेक्शन है? मुझे पक्का कुछ तो अजीब लग रहा है भाई। अपनी मरी हुई चाची की कसम, ये सब कोइंसिडेंस है। ये सब तुम्हारी कहानी के हिसाब से हो रहा है ना। उस राजा को देखो, एक महाराजा जैसा दिखता था, लेकिन अब देखो उसकी क्या हालत हो गई है। हे मेरी कहानी में वेंकी सुसाइड कर लेता है तो क्या हुआ? वेंकी, वेंकी अभी, ए रुकना, आप लोगों को पुलिस के बारे में पता नहीं है। अभी क्या कर रहे हो तुम? कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, हमको नहीं छोड़ेंगे। वेंकी, वेंकी, अबे वेंकी, अभी रुक जा। ए वेंकी, ए अभी, अबे वेंकी, 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 ए वेंकी, भाई लगता है दरवाजा खोलना, सुसाइड कर लिया। तेरी कहानी के हिसाब से ही हो रहा है। गेट से मर रहा हूं, तू चुप रहे ना भाई, उसे गेट खोलने दे। क्या होगा यार, मैं जिंदा तो रहूंगा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बस वो नोट चाहिए। वेंकी जाओ। हे अभी, वेंकी, हे भाई तेरी गार्डन को कुछ नहीं हुआ है ना? अरे भाई मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हो गया है? हे भाई चाहे कुछ भी हो जाए तू सुसाइड मत करना यार। अरे तुझे हुआ क्या है, सुसाइड जैसी बातें क्यों कर रहा है मुझसे? लगता है कल के एग्जाम को लेकर तू टेंशन में है। एक काम कर, दो पैक लगा के सो जा। अजीत, अरे वहाँ क्या हुआ है? चुप, हे वहाँ कैमरा लेकर कौन खड़ा है? ए तू जिंदा है ना, यही बड़ी बात है, जा जाके पढ़ाई कर। जेवियर लाइट है तो कैंडल क्यों जला रहे हो? अरे वो कोई मंत्र पढ़ रहा होगा यार। ये क्या कर रहा है तू? हाँ भाई वेंकी जिंदा है। दरवाजा बंद कर जाके जा। आज क्या अच्छा दिन है सबके लिए, मरने के लिए। हाँ ये क्या कर रहा है यार? इसको बता। अरे सुना, थोड़ा संभल के नहीं तो वो उठकर आ जाएगा। अब क्या करें यार? भाई लोग अभी भी एक ऑप्शन है। ए चार ऑप्शन है रे, काटना, जलाना, दफनाना, ट्रेन के सामने डालना, इसमें कोई भी वर्कआउट नहीं होगा। क्या यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तुमको समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो। एक्सीडेंट जैसा कुछ प्लान करें? क्या प्लान कर रहे हो तुम लोग? एक्सीडेंट प्लान करें क्या? इंश्योरेंस भी क्लेम करते हैं। करेक्ट, सुपर आइडिया। एग्जाम में अभी 9 घंटे बाकी है, एक्सीडेंट करके वापस आ जाएंगे। ए, क्या बात कर रहे हो? परफेक्ट आइडिया, रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई ऐसा प्रूव करेंगे, हिट एंड रन केस का इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता है। ये ऑप्शन वगैरह छोड़ो, सिंपल पेपर को हम फाड़ देते हैं, हम में से किसी का नाम नहीं आएगा। अबे चुप, लेटर है इसलिए सुसाइड है, नहीं तो हम सब हैं तो ये एक मर्डर है, ऐसी बातें फैलाते। करेक्ट अजीत, एक्सीडेंट कौन करेगा? सिंपल है भाई, फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक बॉडी लेकर जाएंगे, बाद में उसकी बॉडी उसकी ही गाड़ी में लेके किसी पेड़ से एक्सीडेंट करा देंगे। सिंपल ना? ओके ओके ना, ओके ओके ओके। अबे जेवियर, उसको फीवर है क्या, ऐसे घूम रहा है चारों तरफ? ए कुछ तो बताओ ना भाई। आज ये फास्टिंग एंड प्रेयर करता है, किसी से बात नहीं करेगा। बहुत अच्छा दिन ही सिलेक्ट किया है इसने। अबे ये भी ना, इसने हाँ कह दिया है। चल चल, हाँ चलो हाँ चलो। रुको 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 रुको, पक्का ये सब हम लोग संभाल लेंगे? तो प्रिंसिपल को भी बुला लो, जाओ तुम। सीनियर्स की हेल्प लेते हैं ना। अरे भाई सीनियर्स क्यों, एग्जाम खत्म करके वो घर चले गए, आ भी गए तो क्या कर लेंगे? सुनो, जूनियर्स को पता चला तो हम एस्केप हो सकते हैं, लेकिन सीनियर्स को पता चल गया तो फिर चांस ही नहीं। करेक्ट करेक्ट, कौन है वो सीनियर्स? अरे वही ऊपर रहते हैं ना तीनों। ठीक है ठीक है, ओके। कोई भी जॉइंट बैच को बुलाता है क्या? वो लोग नशे में कुछ भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर में उनका नाम भी नहीं है। फिर तो वो तीन लोगों का नाम भी लिख देते हैं हम। पेपर किधर है, पेपर किधर है? क्या नाम है उसका? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी? हाँ, ये वो तीसरे वाले का नाम क्या है? नाम क्या है? कुछ भी हो जाकर लेकर आओ, लेकर आओ, जाओ 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 जाओ। भाई ये सब वर्कआउट नहीं होगा। क्या भाई, जाना या फ्लॉप होगा? तू जाना यार। जेवियर, नहीं होगा बोल रहा है ना भाई? हे होगा बोल रहा है। चलो 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 चलो, जा जल्दी। अरे भाई लोग भाई लोग भाई लोग, प्लान थोड़ा हिंदी में समझाओ ना। क्या इसको सब कुछ सबटाइटल में समझाना पड़ेगा।
ब्रो ब्रो यार क्यों पीछे लगे हो तुम यार? अरे तू चल ना। ये भाई उस गुरु को छोड़ो, मुझे डर लग रहा है यार। कौन है वो गुरु? मैंने उसे देखा है क्या? नहीं देखा होगा, वो हमेशा जॉइंट पीकर नशे में उड़ता रहता है। अरे चुप करना, वो इतना भी बुरा नहीं है। तो सभी लोग तो उसको क्यों गुरु बोलते हैं? वो हमेशा जॉइंट पीके फिलोसफी की बातें करता है, जो भी प्रॉब्लम में होता है उसकी हेल्प करता है। क्या हेल्प करेगा वो, उसके पास तो खाली एडवाइस होता है। लास्ट टाइम हम लोगों को 3 घंटा लेक्चर दिया था। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, टाइम बहुत कीमती होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें करके रजिस्टर में 2020 बोलकर साइन किया था, उसको पता नहीं है ये 2023 है। ये लोग तो जय सूर्या की बात में स्प्रिंग है ये समझाते हैं। रूम यही है क्या? वी हैव शिफ्टिंग टू ए न्यू लोकेशन। देखा कौन से रूम में शिफ्ट हुआ, ये लिखा ही नहीं है। अरे क्या हुआ? ये उधर से धुआं आ रहा है, जरूर वहीं पर होगा। हां बड़ा लैंडमार्क है ना, चल आ जा कैमरामैन। हां हां चलो चलो ब्रो। हां अंदर आओ पता चलेगा। आता हूं। अंदर क्या हो रहा होगा? उसे आरती का धुआं समझ रहे हो क्या? चलो। माँ मैं गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। आइडियल बॉय बी ओपन कन्फेक्शन रूम पादागट्टम गोवा। हाँ ये स्वामी जी कौन है? क्या कर रहा है ये? टीवी देख रहा होगा। हाँ 4K में देख रहा है। बहुत अच्छा बजा रहा है ना सर? गुरुजी वो इधर होंगे। आप लोगों को भूख लगी है क्या? एक कितनी बार बोलना पड़ेगा कमोड में पेशाब मत किया करो। इस प्लांट्स को देखो, बिना न्यूट्रिशन के कितना लो हो गया है। हाँ आ जाओ आ जाओ, आप भी इसको टॉनिक दे दो। क्या बोल रहे हो भैया? प्रॉब्लम है। लेट्स रोल। ये कार्टून कौन है भाई? टोपी और जैकेट पहनकर कॉमेडियन लग रहा है। बहुत बड़ी कहानी है। इको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी काम खत्म करना होगा। इनको इको क्यों बुलाते हैं? वो गुरु का शिष्य है, गुरु कुछ भी बोले वो हाँ कहता है। इको नहीं लगा, बोलना चाहिए इसको। सब कुछ 2 सेकंड लेट करता है आप देखो। हे चुप सर। क्या है? कुछ नहीं सर। हुँ? क्या है बताया था ना, तू ना चुप रहा कर। लेकिन अजीत की कहानी में ये 3 लोग तो नहीं थे? उस कमीने को रियल लाइफ में ये लोग पसंद नहीं है, इसलिए इंक्लूड नहीं किया है। वो तीसरे का नाम क्या है? पता नहीं भाई, मैं तब से पूरा कवर कर रहा हूँ, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये कमीनों को हम ठीक से याद नहीं रहते हैं यार। ये बैच ऐसा ही रहता है क्या? नहीं तो करेंगे क्या? चलो ठीक है भाई। सीनियर्स को सैल्यूट नहीं करोगे क्या? 5 6 7 चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। बॉडी किधर है? इधर है सर। इधर है सर। इधर सर, वहां पर है, वहां पर। कौन सा ब्रांच है? MBBS है क्या? अर्जुन रेड्डी से ज्यादा कर रहा है। रुकना। I'm so sorry. He is no more. Yes, sir. अभी भैया को लेटर दिखाओ। नमस्ते। नमस्ते। पता नहीं इस लेटर में क्या लिखा होगा, ये कुछ पता क्यों नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है यार? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे क्यों देख रहा है यार? हम लोगों को पागल समझ रहे हो क्या? खेल रहे हो क्या सब मिलकर? ये क्या है सर? ये क्या है? लेटर ब्लूइंग से लिखा है तो ब्लैक से क्यों लिखा नाम? क्या इसका नाम किधर है? इनके साथ क्या क्या काम किया है? इसका नाम लिखे बिना कैसे मर जाएंगे वार्डन? बस वही क्या, मुझे दे दो मैं लिख लूंगा। ओके ना। नेक्स्ट क्या है भैया? उसे एक्सीडेंट जैसा फ्रेम करते हैं। चलो प्लान करते हैं, एक्सीडेंट करें क्या? सुपर आइडिया। मेरा ही प्लान था। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बात है? मर गया क्या? हमारे पास 3 घंटे का ही टाइम है, तब तक बॉडी को डिस्पोज करना होगा। क्यों सर? लेट हुए तो बॉडी अलीन हो जाएगी, मरने के बाद भूत बनते हैं। साइंस ये सब यकीन नहीं करेगा। चलो साइंस मैथ्स केमिस्ट्री। ठीक से मेरी बात सुनो, नशे में कुछ भी करेगा बोला था ना, अब देख उसको। ये क्या कर रहे हैं, डोसा बना रहे हैं क्या?
दिस इज द प्लान। अच्छा अच्छा ये सर, हम इधर नहीं आए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सारे एविडेंस को जला देते हैं। सर ये प्लान फ्लॉप होने का चांस ही नहीं है सुषमा। ये क्या कर रहे हैं, एविडेंस डिस्ट्रॉय करके नया बनाने के लिए कह रहे हैं? अबे बुझा ना जाकर, ये लोग तो मास्टर को भी जला डालेंगे। क्या दुखी हो रहे हो क्या? उसकी बिल्ली मर गई है तो वो दुखी नहीं होगा क्या? सुनो यहाँ किसी के फिंगरप्रिंट सही होने चाहिए, सब कुछ इरेज करो। सुनो सबके फोन ले लो, मैं बाहर रहता हूँ। क्यों? मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, कोई भी हमें धोखा दे सकता है। आई डोंट लाइक स्टूपिड पीपल। ओके कुछ नहीं होगा। फोन इसमें डालो। ये क्या कर रहा है? आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है सर। तुम्हारा बनियन भी बहुत अच्छा है। बिग ब्रदर बैग आगे क्यों डाला है? पीछे डालोगे तो भूल जाऊंगा। भाई मुझे मेरा फोन 12 बजे चाहिए। ये बाद में मिल जाएगा ना? सबका फोन साइलेंट में ही है ना? सर मेरा फोन वाइब्रेशन मोड पे है सर। रहने दो, अच्छा रहेगा। सर मेरे पापा फोन करेंगे तो पढ़ाई कर रहा हूँ, बोल देना सर। एडल्ट मैगजीन पढ़ाई कर रहा है, बताओ क्या पोस्टमैन समझा है क्या बेवकूफ कहीं का? तुम्हारा फोन ओ, तुम तो नहीं दे सकते। 88 89 90 90। कौन हो तुम? सर अजीत का फ्रेंड हूँ, आप कौन है? मैं कौन हूँ? ए क्या कर रहा है? इधर क्या हो रहा है? हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जूनियर मुझसे हेल्प मांगेंगे तो हेल्प करूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। रेडी 4 3 1 2। अरे ये क्या है? अरे रे 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 रे। यार ये देखो क्या है ये? वार्डन मरने के बाद नर्क जाने से पहले स्वर्ग भोग के गया है यार। छे यहाँ जिंदगी झंड हो गई और तू पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। मौत को दया नहीं आती और हवस को आंखें नहीं होती। ये क्या कर रहा है भाई? ओके ओके। आवाज मत करना, इसे बेडशीट में लपेट दें क्या? गो 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 गो। उधर क्या हो रहा है यार? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? हम लोगों को पढ़ाई करनी है। आराम से मुंह बंद कर, मैंने ये सब इंटर्नशिप किया है क्या? कुंग फू पांडा जैसा क्या कर रहा है ये? यार ये दरवाजे क्यों बंद कर रहा है? कोई गेट बंद कर रहा है, कोई गेट बंद कर रहा है। दरवाजा खोल। अब तो लग रहा है कि पूरे हॉस्टल को पता चल जाएगा यार। अरे यार, अरे बाप रे, क्या कर रहा है? किसी ने डोर लॉक कर दिया है। तुम सब मेरे पीछे रहो, मैं आगे रहूंगा। तुम लोग आगे आओगे तो मैं बॉडी लेकर चला जाऊंगा। सॉरी सर, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। अरे कौन है, किसने बंद किया इसकी? तो सर अब क्या करे सर? एक बियर की बोतल लेके आ। एक प्लेट एक राइस और आधा प्लेट कबाब भी लेकर आऊं क्या? खाली बोतल में पानी लेकर आ। ए वेंकट, मुझे पता है कि तूने दरवाजा बंद किया है, बैच में कोई पढ़ाई ना कर सके। इधर इधर ही पढ़ाई करेंगे, रैंक लेकर आएंगे, बुक्स निकालो। ठीक है, सब लोग यहीं पर बैठ के पढ़ाई करेंगे, देखते हैं कौन रुकता है। सर काजीकोड़ा स्टेशन रोड पिनपोली अड्डा हैदराबाद, किधर है? वहां मेरा घर। कब दे कब दे, देखता हूं कौन रुकता है। ये लो लगा दो। ए वेंकट देख लेंगे। लॉर्ड ऑफ वाटर्स प्लीज सेव अस। सर वो पेप्सी कप है, अगर उसे पता चल गया तो? भाई हमारे लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है, पीछे स्नैक्स भी आ रहा, देखो। ए सब भागो भागो। अरे चल चल चल। देखा मैंने बताया था ना, गुरुजी मैजिक भी करते हैं। छी ये क्यों आया है? हटो 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 हटो। दरवाजा तोड़ दो फिर भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन बोतल की आवाज सुनकर बाहर आ गया। हे भगवान, इस बोतल ने हमें बचा लिया, अब इस सेमेस्टर में हाथ नहीं लगाऊंगा दारू। आकाशी तुम दारू छोड़ दोगे क्या? नालायक, बोतल में फिनाइल दो तब भी पी जाते हैं। तो वो भी पी रहा है क्या? ये तो पुराना मनी प्लांट का पानी है और तुमने ठीक से क्लीन भी नहीं किया। चीयर्स। मरने से पहले फैमिली पैक खाया था इसने। देखना, अरे आराम से। चलो अब देखते हैं क्या। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? इसको प्रॉब्लम क्या है यार? इसको क्या प्रॉब्लम है? सीनियर्स को देखकर भी ऐसे चले जाते हो क्या?
एक दो फिश पागल है क्या तीन चार नमस्ते हाँ बोलो चलो चलो अबे चुप हो जा एक सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा एक रोल करूं क्या एक जॉइंट पीकर बॉयज के साथ ज्वाइन करेगा ए मैंने तुम सबको पहले ही बोला था कि उनको मत बुलाओ अब देखे ना गुरुजी को उसको छोड़ो मुझसे बात करो ये लो कोई आ रहा है क्या देखो ना ए उसको छोड़ मैं बात करता हूँ अरे छोड़ना मैं बात करता हूँ ना अरे जल्दी नल खोल खोल जल्दी इसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए अबे शांत हो जा देखो सच में हमने कुछ नहीं किया है भाई ये बेवजह हमारे नाम सुसाइड नोट लिखकर मर गया है नहीं भाई आपका चेहरा देखने से ही पता चल रहा है कि आप लोगों ने मारा है ए हम लोगों को पता नहीं है हम लोगों के आने से पहले ये लोग उधर थे ए क्या हर बार पहले आया बोल रहे हो तुम लोग चाय कब आएगी ये पूछने के लिए गया था मैं लेकिन उससे पहले मर चुका था वो नहीं भाई मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करूंगा मैं ए, तेरी तो ए, 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 बात समझ में नहीं आती है क्या हाँ, मार दूंगा तुझे ये ले इसका भी निशान और फिंगरप्रिंट पूरे बॉडी के ऊपर है क्राइम सस्पेक्ट अब ये है प्रिंसिपल क्या उसके बाप को भी बोल के आना नाम लिख इसका लेटर में ए सुपरमैन सुपर हाँ सही किया क्या बात भाई तेरा नाम क्या है के दर्शन है भाई थैंक्स ए नल जाकर बंद कर दे ए राना तू बहुत ब्रिलियंट है तू भिंडी बहुत खाता है क्या कुछ भी हो तुम रोना मत ब्रो ए कौन है जूनियर को भी ब्रो बोल रहा है सीनियर को भी बोल रहा है ये फ्लोर हमने क्लियर किया है अब नेक्स्ट फ्लोर पर बॉयज को क्लियर करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए ठीक है ना चेहरा ऐसे बनाकर मत जाना वरना डाउट होगा ठीक है भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके सबको अपने रूम में आने के लिए बोलता हूँ अच्छा है ग्रुप का नाम भी मर्डर मिस्ट्री रखो तब सब आकर मरेंगे ये बेकार का आइडिया बंद करके कुछ काम का आइडिया है तो बताओ मुझे समझ में आ गया है क्या करना है समझ गया पक्का वर्कआउट होगा देखना सब दौड़ते हुए आएंगे भगवान हनुमान इसकी वजह से जेल मत भेजना कोई बचाना होगा स्वीट्स चॉकलेट्स और बिस्किट क्या ये बेकरी ही कब बोर्ड में ओपन कर दिया तूने अरे वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है लग रहा है घी से बना है क्या खुशबू है कौन है ये लोग लगता है उधर कोई प्रॉब्लम हो जाकर देखो अजीत जाओ जल्दी जाओ लगता है बाथरूम से आवाज आ रही है और शोर मचा रहा है ए हमें अंदर जाना है अरे हटो तो रोकने वाला कौन होता है अरे कौन है तुम लोग हमेशा आकर मुझे परेशान कर रहे हो आप लोगों को और कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को मैं अंदर नहीं भेज सकता हूँ अरे क्या समझ रखा है तुमने दरवाजा खोल खोलो जल्दी खोल अंदर आना है मुझे अरे देखो ना उनको पुराने स्टूडेंट है अरे वो हॉस्टल देखने के लिए अंदर जाना चाहते हैं तुम यहाँ क्यों आए जाकर पढ़ाई करो सर प्लीज सर एग्जाम है सर किसी और दिन आइए कौन सा एग्जाम ब्रो पक्का फेल हो जाएगा फंस गए तो कंफर्म मर गए समझो क्या करूं बहुत टेंशन हो रही है यार शिट शिट भाई उधर देखो ना अब ये क्या टॉर्चर है गेट क्लोज है ना फिर आप अंदर कैसे आ गए संभाल कर देखिए सर 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 अरे कौन सर 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 आप अंदर कैसे आ गए सर बता ना थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा हॉस्टल में शॉर्ट फिल्म के लिए रिसर्च कर रहा हूँ सर यूट्यूब के लिए या रेड ट्यूब के लिए नहीं लाइक करो कमेंट करो शेयर करो बाद में बेल बजाओ जरा ध्यान से गिर जाएंगे छोड़ना आंखें बंद करके चलो इसको अरे अरे तुम मुझे भी देख यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा ये कौन है अपना भाई लग रहा है इधर एक टनल है ये बात तो हमें पता ही नहीं है अरे कहाँ
सर, वार्डन उठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अपने रूम में चलेंगे या मजे करेंगे। ये ठीक है। जला जला मैंने कहाँ लगा था, कहाँ लगा था मैंने। प्रेमा प्रेमा, किसने मेरा प्रेमा के ऊपर पेंट किया? लवर है क्या? मुझे छोड़ के यूएस चली गई तो प्रिया। छोड़ उसको, चल इधर। हाँ यही वाला, चल चल चल। माय डियर शीशा, ये हो क्या रहा है? ये कौन है? माँ, पापा और वो तमिल लड़की। हाँ जी, वी के पहले मुझे बर्बाद किया और बाद में उन तीनों को बर्बाद कर दिया। वही सेम डोर है, वही बेड, वही खिड़की। सही कहा यार। अरे चुप कर यार। तुम लोग भी रैगिंग करते हो क्या? सब ऐसे ही हम लोग भी ऐसे ही करते थे। ये तो वही कबाड़ है। सर, उसमें मेरा पर्सनल आइटम से है। चुप कर यार, चल हट जा यहाँ से। सर 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 तुम लोग भी क्लोरोफॉर्म यूज करते हो? ये हुई ना बात। ए स्पेशल क्लास के चमचे, तुम्हें तो मरना ही था। इसे जीना था। मिस यू रफी, लव यू रफी। कौन है रफी? अबे बारा, तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। ए, सिनेमा थिएटर में जाकर देखो ना। भाई, दिस इज द फ्यूचर ब्रो। ओटीपी भाई, अंताक्षरी खेले गया? अरे कल एग्जाम है। अरे कल एग्जाम है ना, टेंशन होगा। ए, नो टेंशन, फोर इयर्स पास फेल ऑल ओके। हम सेटल नहीं हुए क्या? मैं सेटल नहीं हुआ क्या? सेटल, सक्सेस। क्यों हंस रहा है बे तू? हाँ, मेरे पटाखे का कवर कहाँ है? चलो चलो चलो, मिशन कंप्लीट। इतने एविडेंस को छोड़कर चुपचाप जाएंगे क्या? फिर क्या करेंगे सर? अरे शूट करो जल्दी से। देखते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल के पिलर पर हमारा नाम लिखा है या नहीं। मेरे पेन का कैप गुम गया, देखा क्या? कब सर? 2005 में है। पता नहीं है सर। उस फिल्म का लिंक मुझे भेज देना। मे द फोर्स बी विद यू। भाई अब जिंदा हो जाए। अरे पूरा फूड वो दर्शन के पास कह रहे थे और ये बंदा खड़े खड़े वहाँ मुझे ही देखा क्या? ए चड्डी निकाल उसको मुझे। उधर फूड फेस्टिवल हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? तुमको बेकरी का स्मेल नहीं आया क्या? मेरी नाक ब्लॉक हो गई थी ब्रो, मुंह में चड्डी ठूस दिया था। मार दिया क्या ब्रो? ए, हम लोगों को कुछ पता नहीं है, हम लोग के आने से पहले वो लोग थे। चाय कब आएगा पूछने के लिए आया था। अरे चल रहा काम हो गया बुरा। इसी की वजह से उसने सुसाइड किया है, मार कमीने को। उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्यों ना करूं, वीपीएन टाइम में वाईफाई ऑफ कर देता है, सुबह उठकर सुप्रभात लगा के कोरस करता है। अरे किसको चाहिए ये सब बेवकूफ। इतने सिली पर्सन के लिए गुस्सा कौन करता है भाई? इतने छोटे रीजन के लिए उसने सुसाइड कर लिया ना, और मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अब क्या करें? ब्रो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बॉडी को अभी इधर नाइट में रिलैक्स करने दो, कल एग्जाम होने के बाद देखते हैं। ऐसे ही सुबह कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी अरेंज करो। ऐसा नहीं है रे। ए चुप रहो यार। ए देर हो रही है, टाइम निकल जाएगा। दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया ब्रो। अरे चुप करना, केवल आइडिया ही दे रहे हैं सब। ब्रो फ्रेशर्स पार्टी के दिन टेरेस में तो ही ऊपर चढ़ा था ना।
ब्रो उसके बारे में छोड़ो ब्रो, उस वक्त जो हुआ था उसका दुख अभी तक है मुझे भाई। भाई इस बार तू हमारी हेल्प कर, नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वार्डन तो एक ही था, नेक्स्ट टाइम क्या हेल्प करोगे ब्रो? प्लीज भाई हेल्प करो ना, एग्जाम है। वो इतना इजी नहीं है ब्रो। यार प्लीज तुम उसके बारे में मत सोचो कुछ, हम देख लेंगे। ठीक है। एक्चुअली फ्रेशर्स पार्टी में इसने क्या किया? बाहर जाने के बाद हमारे पीछे आ जाओ। यहाँ क्यों डांस कर रहा है, वहां जाके करना। अरे भाई हटो तो, मैं भी देखू तो। ए, उसके अंदर क्या है, क्या देखेगा तू? है रात भर यही करेगा क्या? आगे भी तो कुछ करना, चल 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 कर कर कर, और भी ओपन करना, आगे जाना। कम ऑन कम ऑन, और ओपन कर। कोई भी नहीं देख रहा है। ए, तेरे को दिल खोल के डांस करने के लिए बोला था, ड्रेस नहीं। ची, ये तो कपड़े उतारने के लिए रेडी रहता है, जो अनिश्चित समझ रखा है। करने दो उसको, उसके घर का रिवाज होगा। ए, अच्छे से शूट कर, हा? कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अरे चल 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 जल्दी चल, तेरो जल्दी चल 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 चल। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? आजा आजा जल्दी चल चल आजा। अबे तू गेट के पास जाके खड़ा हो, जब देख डांस के लिए रेडी रहता है। अबे नीचे क्यों रख रहे हो, उठा 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 उठा। ए वेट मैन, पांच मिनट। यार किसी के पास सिगरेट है तो देना। अभी सिगरेट क्यों चाहिए? टेंशन कम करने के लिए। अबे हो गया पांच मिनट, चल 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 बॉडी उठा चल। टू मिनट्स। क्या दो मिनट, दो मिनट बे? अबे तुम मद्रासियों से एक बॉडी भी नहीं उठाई जाती है क्या? राइस खा खा के तुम लोगों का पेट निकल गया है। ए भाई सुन ना, अच्छा एक बात बता मुझे, तुम नॉर्थ के लोग बॉडी को ग्रिल करके चपाती के साथ खाते हो क्या? हमें देखो, हम सब ना एकदम राइस खा के ही बड़े हुए हैं, इसीलिए ही नहीं झुकेंगे हम लोग। ना तू यार, किस आदमी को साउथ का बोल रहा है तू? नॉर्थ साउथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है जिंदगी में, समझा? क्यों? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, पक्का तेलुगु हूँ, कप्पू कम्युनिटी से आता हूँ। ए गलत गलत मत बोलो तुम लोग, आंध्रा में कापू लोग ही नहीं, कम्मा कम्युनिटी के भी हैं। सी देयर वी आर एवरीवेयर। हेलो, तुम लोग कुछ भी बोलोगे तो हम लोग सुनेंगे क्या? राणा मैं साथ मिला तो रेडी, आ गया है तो रेडी, मैं रियाल सीमा से हूँ, पता है ना? ए विजय, तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं होते, बहुत डेयरिंग होते हैं। हे तू तेलंगाना का है क्या? हाँ और क्या, ओसी है क्या? नहीं बीसीडी। Hey, Xavier, आप लोग जलाते हैं या दफनाते हैं? Hey! इधर एक बंदा मर गया है, थोड़ा सीरियस रहो ना, लेफ्ट या राइट कहकर बस लड़ाई कर रहे हो। सॉरी यार। Hey, Xavier, सब क्लियर है क्या? अभी तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बोला। हमारा दुख किसने देखा है? Hey, छोड़ो भाई जाने दो, पैर दबा रहा है, और कितना दबाओगे हमको? मैंने क्या किया है? ए क्या हुआ भाई, मुंह खोल के बात करो ना। ए मैंने कभी डेड बॉडी को ऐसे नहीं उठाया यार। चलो चलो चलो, अरे बाप रे। ए चलो चलो चलो, आ जा आ जा, जल्दी कर। अबे कौन आ रहा है बताना, जल्दी करना, क्या कर रहा है? अबे चल 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 निकल, पास पास पोजीशन। तुम यहाँ कैमरा लेकर क्या कर रहे हो यार? लग रहा है बहुत टेंशन में हो क्या? क्या सब एक साथ ही अंदर आए क्या? आओ ना रोके, तुम भी ज्वाइन हो जाओ, लेटर में इसका भी नाम लिख दिया तो एक और बढ़ जाएगा। इधर क्यों आया है? हाँ पिच क्लीन करने के लिए, कल एग्जाम होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड से जाके मिल लूँ, इसीलिए थोड़ा ट्रिम करने के लिए आया हूँ यहाँ। अबे मूत लिया हो तो हाथ भी धो ले, थोड़ा हाइजीन तो मेंटेन कर। एकदम पागल है ये। और अजीत ये बता कि एग्जाम वगैरह के लिए सब प्रिपेयर हुआ कि नहीं? बैकलॉग्स पहले क्लियर करो यार, नहीं तो मैं ही तुम्हारा सीनियर होने वाला हूँ। और कितने साल इसी हॉस्टल में रहोगे? क्या यार तुम यहाँ भी आओगे क्या? जाओ ना, जाओ यार, जाओ 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 जाना। अरे क्या है यार, टाइम ये क्या कर रहा है, क्या चल रहा है ये? भगवान किसको पता नहीं चलना चाहिए। सर। हे अजीत, हो गया क्या, और कितनी देर रहना है? 10 मिनट सर, हो जाएगा। हे
तुमने कहा था सिर्फ 5 मिनट का शॉट है ये, आखिर तुम कर क्या रहे हो? सॉरी सर, वो गुरुजी ने सब बर्बाद कर दिया है। मेरी ओरिजिनल स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं था सर। पहले मैं उन तीनों को डिबार कर दूंगा। कितने स्टूपिड लोग हैं वो लोग, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देनी ही नहीं चाहिए। उनका नाम उसी सुसाइड नोट में लिख लिया है, गुरुजी और एको। वो तीसरे वाले का नाम क्या है? लगता है सच में शेविंग कर रहा है। मुझे उठाते वक्त थोड़ा संभालना, मेरी बैकबोन वीक है। अजीत सर, मेरी एक्टिंग बढ़िया है ना? सुपर सर। ठीक से नहीं आया तो बताना, आई कैन डू इट वन मोर। क्या बे करीमनगर, बहुत नेचुरल कर रहे हैं सर, इसी को मेंटेन कीजिए। जल्दी करो ना, बच्चों का कल एग्जाम है, उनको पढ़ाई भी करनी है। बस 10 मिनट सर, पूरा हो जाएगा। सर सर सर, मॉनिटर स्विच ऑफ हो रहा है सर। सॉरी यार, चिल्लाना मत, मेरे पापा हैं। ये शादी एडिट किए बिना शॉर्ट फिल्म एडिट कर रहा हूँ, उनको पता चल गया तो मार डालेंगे मुझे। लेकिन ये वार्डन जिंदा ही है, मुझे बता सकते थे ना। सॉरी भाई, मैंने सोचा फुल फुटेज आपने देख रखी है। रात दूल्हे का निकाल निकले मतलब पिंपल निकालने के लिए टाइम लग गया यार। हाँ लेकिन जहां तक देखा है मैंने, क्या मूवी है यार, कोई भी नहीं देखेगा। भाई भाई प्लीज ऐसा मत बोलो भाई, ये मेरी पहली फिल्म है। ए पहली मूवी हिट जाएगी तो तुझे साल भर वेट करना पड़ेगा, समझ गए? इंटरवल में जो भी लोग बाहर जाएंगे वो अंदर आएंगे, इसका मुझे विश्वास नहीं है। भाई एडिटिंग में आपको कुछ मैजिक करना होगा। ठीक है, एक चाय और बिस्किट लेकर आ, देखते हैं। ओके भाई, अभी लेकर आता हूँ। सर सर, क्या है? आपको एक बात बतानी है सर। सुन रहा हूँ, बोलो। हम सब मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाने की सोच रहे हैं सर। हाँ हाँ, हम सब मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं। हाँ, बनाओ बनाओ। वो क्या है कि डिस्पर्स, उसमें आप ही मेन लीड है सर। क्या फिर से शुरू कर दिया? विनायक चतुर्थी के दिन जो तुम लोगों ने किया उससे मैं मरने वाला था। सर माँ कसम सर, इसमें आप ही मेन लीड है। इस उम्र में मुझे क्यों हीरो बना रहे हो? क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जी, हीरो नहीं है, मेन लीड है सर। मुझे एक्टिंग आती है, ये तुम कैसे सोच रहे हो? कैसे डायरेक्टर हो तुम? आपके रील्स मैंने देखे हैं सर। मैं कोई एमपी नहीं हूँ, मिनिस्टर नहीं हूँ। इंसानियत निभाने की कोशिश कर लूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। पहाड़ यात्रा एक सर्वोत्तम पहाड़ यात्रा है। मेरे लास्ट पोस्ट में 100 लाइक्स मिला था, थैंक यू। हम लोग मिलिट्री में ऐसे ही सिग्नल देते हैं। कितना नेचुरल परफॉर्म करते हैं सर आप, आपका कोई जवाब ही नहीं है सर। ओहो, मैंने जो भी किया वो सब वायरल हो गया क्या? किसी ने देखा नहीं है। फर्स्ट टाइम हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, उसके बाद आप वायरल हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं। तुम्हें ऐसे ही मेरी मदद करनी होगी। ये कौन कैमरा लेकर आया है? वही सर, आपके साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए कहा था ना, वो अब करें सर। ए, जाओ, ये क्या टाइम है, कल तो तुम लोगों का एग्जाम है ना। ए, जाओ। सर आप ही सोचिए ना सर, बॉयज पूरे स्ट्रेस में हैं। 5 मिनट सिंगल टेक शॉर्ट फिल्म किया तो सब रिलैक्स हो जाएंगे ना सर। रोल क्या है? सेम सर, जो आपका जॉब है ना वार्डन, स्मॉल ट्विस्ट है। वार्डन की डेड बॉडी फोर्थ फ्लोर से, वार्डन डेड बॉडी को फोर्थ फ्लोर से। उठो उठो, फर्स्ट फिल्म में डेड बॉडी का रोल किया तो मुझे क्या रिस्पेक्ट मिलेगी? राजू कनकना हूँ क्या? सर डेड बॉडी रोल को आप कम समझ रहे हैं, अब तक ऑस्कर में 3 बार डेड बॉडी का रोल करने वालों को ऑस्कर मिला है। अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। डेड बॉडी रोल के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए सर? बाकी एक्टर्स रेडी हैं क्या सर? और कोई एक्टिंग नहीं करेगा सर, आप जिंदा है उन्हें ये भी पता नहीं चलेगा। आपकी डेड बॉडी को देखकर जो भी नेचुरल रिएक्शन और एक्सप्रेशन आएंगे वही शॉर्ट फिल्म है सर। ठीक है, डिस्पर्स डिस्पर्स। थैंक यू सर। ए, कुछ तो सिनेमैटिक शॉट्स पूरा करो, बस ऐसे ही शूट किए जा रहे हो। ट्राई करता हूँ। सर सर सर, क्या यार तुम लोग अभी तक कर क्या रहे हो? मूत्र और ट्रिमर को ट्रैक्टर जैसा यूज कर लिया। फिर से बाथरूम में नहीं आऊंगा। ए उस बेवकूफ को लेकर आना,
ए जेवियर उस गेट के पास रुक, किसी को बुलाना मत। रेडी सर चलिए। अरे रुको ऑलरेडी जा रहा है। करिए सर मैं शुगर पेशेंट हूँ। अरे क्या टाइटेनिक पोज में लेकर आ रहे हैं उसको, नीचे डालो उसको, इसके स्मेल से बाथरूम पूरा स्मेल हो गया। चलो चलो चलते हैं। ये मरने के बाद भी हमें परेशान कर रहा है। ये घर में मरा होता तो कुत्ता भी नहीं आता। इधर देखो कितने लोग इसको उठा रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस है। 12 बज गए हैं यार, एग्जाम होने में 7 घंटे बाकी हैं। 12 बज गया, अब मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। आओ भाई आओ, एक आदमी कम हो गया था। आओ। Lead us Lord in the way we should go. क्या कर रहा है ये? उसको रोकना मुश्किल है यार। आपकी शरण में आए हैं। आमीन। अरे बाप रे, मार दिया ना लोगों ने बाटन। अरे क्या कर रहा है? वो सब हो गया है। अब तुम रो रहे हो, तुम्हारे साथ रोना है क्या हमको भी? हाँ, 12 बज गए, मुंह बंद करके गेट के पास जाओ। आउट ऑफ बॉडी। क्या 12 बज गया है क्या? चलो चलो, तुम इधर आओ। क्या भूल गया, सोच रहा है क्या? ये तो सितंबर 20 है। मेरी दादी मर गई थी तब, लास्ट बस लेकर गांव में जा रहा था तब आप सबने मिलकर मुझे मारा था ना। उनके मरते वक्त ही मैंने लाइट लिया था। अभी बेकार में मर गया है तो उसे रोक दूं क्या? इंसान आता है और जाता है, लेकिन बर्थडे साल में एक ही बार आता है और हमको चांस भी एक ही बार मिलता है। मारो कमीने को। सर आप बीच में इस तरह से कुछ भी ऐड क्यों कर रहे हो सर? ए, कौन देखेगा इसे? सबके सब मर्द भरे पड़े हैं। हिंदी सिनेमा में गाना नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन हीरोइन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा काम है, मैं करूंगा, डिस्टर्ब मत करना। अरे कहाँ गए थे आप लोग? तुम सबको ढूंढ रहा था। हम तो इधर ही थे ना। 12 बज गया है ना, अभी इधर क्या कर रहे हो? नीचे गुरुजी वेट कर रहे हैं तुम लोगों के लिए। अरे मेरा फोन किधर है? हम सभी का फोन तो यही लेकर गया था। और भी चाहिए क्या? हाय चिनू, हाय विनू, डैडी की ब्यूटीफुल डॉटर्स। आज तुम 10 साल की हो गई। जब तुम ये वीडियो देखोगी तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। बट तुम्हारी मम्मी का बर्थडे फर्स्ट टाइम मैंने कैसे सेलिब्रेट किया पता है? तुमने नहीं देखा ना? ये सब होगा इसकी गारंटी नहीं है। आई रियली होप शी। एक मिनट, तुम्हारी मम्मी आ रही है। सर मुझे पता है, बहुत सख्त हो। अपना रूल्स 5 मिनट के लिए ब्रेक करके मेरा फोन दे दो, मेरी लवर को मैसेज करना है। फिर तो मुझे भी मेरा फोन दे दो सर, मैं भी मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करूंगा। तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं होनी चाहिए क्या? एक दिन उसे गुड नाइट मैसेज नहीं किया तो चुप नहीं रहती है वो। आज उसका बर्थडे है, विश नहीं करूंगा तो मुझे छोड़ेगी नहीं। उसका भी बर्थडे आज ही है क्या? हाँ। उसका नाम ऐसे स्टार्ट होता है क्या? यस। हाँ। उसका नाम तुम सबको कैसे पता? उसका इतना सीन नहीं है भाई। सुरेश है क्या? तो इसका मतलब हॉस्टल की सारी बातें तुम इसको बताते हो क्या? ए बस करो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आजकल दिन में रोज कोई गुड नाइट मैसेज करता है क्या? ए बस कर, वो मेरी भी गर्लफ्रेंड है समझे। गुड नाइट मैसेज के साथ हार्ट सिंबल भी भेजती है मुझे। हार्ट सिंबल के साथ 3 डॉट्स भी डालती है क्या? स्मिता। ओ स्मिता रे। हाँ, मैगी हेयर्स, येलो डियो, वो स्मिता नहीं है, अस्मिता है। मेरा डाउट सच हुआ, वो सच में बहुत बड़ा कौवा है। उसके बारे में गलत बोलोगे ना तो छोड़ूंगा नहीं। ए क्या पॉकेट में लिपस्टिक लेके घूमता रहता है? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्यों लिख रहा है बे? क्या लिख रहा है? स्मिता हर्ट्स। उसके बारे में ऐसी बात नहीं करना, ऐसा बोला था ना मैंने। और उसके बाद 3 डॉट्स, वो बहुत 3 डॉट्स से उस लड़की के कैरेक्टर को जज कर रहे हो? अरे एकदम पागल है ये। पता है तुम लोग कैमरा देख करके चुपचाप हो, नहीं तो इससे भी ज्यादा गाली देते तुम लोग। मेरे बारे में तुझे क्या पता? गुड नाइट लिखा तो प्यार हो गया क्या? हाँ। 3 डॉट्स डाले तो स्पेशल आइटम। क्या चीप मेंटालिटी है। पहले साइड हो सर, पहले मुझे मेरा फोन दो, किसके क्लोज है बाद में डिसाइड करते हैं। ए छोटे बच्चे हो क्या? ए लाइए इधर। ऐसा क्या है इस फोन में? हाँ? सर आपको फोन नहीं चाहिए, मेरा दो। ए वही बोल रहा हूँ ना, ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए बैग कोई और चोरी कर लिया। सर, है सर, आपने पीछे की पॉकेट में रखा था, बैग तो आपने सामने रखा था ना। वो कोई मुझे ऐसे टच किया, पीछे देखकर आगे देखा तो देखा बैग गायब है। फोन लिया है, अभी 9 महीने की ईएमआई भरनी बाकी है सर। फोन नहीं है तो ईएमआई पे करके क्या करेगा? बॉडी खराब हो जाएगी। चलो ना, चलो भाई मेरा मोबाइल। हे रोना बंद कर और चल। ए, लाइफ और डेथ का मैटर है यार, जाना। मेरा मोबाइल गुम कर दिया। इसका मोबाइल चाहिए, इसने मेरा आईफोन खो दिया। ए मोबाइल नहीं यार, उसके अंदर का जो डेटा है वो। डेटा? वो क्या बड़ा गूगल सर्वर है क्या?
ज्यादा से ज्यादा सविता भाभी की कहानियाँ, नहीं तो लड़कियों की फोटोज, उसके लिए तू क्यों रो रहा है? मैं भेज दूंगा। ए अभी, उस फोन के अंदर तेरे वो गर्लफ्रेंड का क्या बोल रहा है? तेरी तो क्या बोल रहा है? नहीं बताऊंगा, तू ही पूछ ले उससे। अरे बोलना क्या बोला? अबे बता रहे क्या बोला? चल यहाँ से, ऐसे बात करके कोई फायदा नहीं है। अब निकल, तेरा बॉडी खराब हो जाएगी, बदबू आ रही है। क्या सोचा था? क्या हो रहा है? गुरुजी किधर है भाई? मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। ढूंढो सर, ढूंढो। आप ढूंढोगे तो भगवान भी मिलेंगे। वो भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। ओके सर, किसी को मत छोड़ना। What you have done is very responsible, सर। तुम जब तक मुंह नहीं खोलते तब तक ही ठीक है। अब सर, हिंदी में बात करने के लिए कहा तो बंगाली में बात कर रहा है। अरे मेरा आईफोन था 1.5 लाख का, अब कोई और आ रहा है, दिख रहा है। हेलो, और एक गेस्ट आ रहा है, वेलकम बोलो। अरे मेरा फोन गुम कर दिया। मारुति, मारुति आ रहा है। हाय बेबी, लेट हो गई। तुमने इस टाइम पर कॉल करके बुला लिया। घर वालों से छिपकर आना कितना मुश्किल होता है पता है? ये क्या है? तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अभी 12 बजे कॉल करके तुमने विश तो किया था ना? ये कोट किसका है? मेरा है। थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, देखो ना कैसे आई हूँ। कैंपस के अंदर कैसे आई तुम? मैंने कहा गर्ल्स हॉस्टल पढ़ने जा रही हूँ तो आने दिया, लेकिन गाड़ी नहीं लाने दिया। हम लोगों को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते, लेकिन लड़कियों को नहीं रोकते। एक्चुअली मैं ही तुम्हारे घर आके विश करने वाला था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने छोड़ा ही नहीं। बेबी बेकार लोग हैं, छोड़ो ना बेबी। बैठ अभी। बेबी कितना बार बोलना पड़ेगा तुमको? बच्चों के सामने बैड वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए। ये डब्बा कार किसका है? हमारे वार्डन का है। तो कितना बेकार है। ठीक है मैं चलती हूँ फिर। सरप्राइज। ये सब क्या है? सो क्यूट, बहुत अच्छा है। ये सब तुमने किया है क्या? और नहीं तो क्या। हैप्पी बर्थडे श्वेता। थैंक्स बेबी। अरे ये किसने किया है? ये तो रॉकी का ट्रिमर है। क्या हुआ? वाह रे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। अरे नहीं रे, ये मेरा है। 5 मिनट के लिए लेकर जाने को बोला और अभी तक लेकर नहीं आया था, पूरा खराब कर दिया। रॉकी बोल रहा था तब से आप लोग बाथरूम में ही हो। पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है मारुति। पेट खराब था तो उधर जाने का था ना, इधर क्या कर रहे हो? एग्जाम के लिए तैयारी की क्या? 3 दिन से पढ़ाई कर रहा था, कसम से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों की? नहीं इस बार तो फेल होना तय है, मेरी लाइफ ही फेलियर है। ये लोग ना एग्जाम का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, छोटे बच्चों की तरह रोना। आयोडीन सॉल्ट खा के बड़ा हुआ था ना, इसलिए ऐसा है। क्या कर रहे हो? हाँ सॉरी भाई। हाँ है ना, क्या हुआ यार? हाँ सब इधर ही हैं। ठीक है ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। क्या हुआ, कौन है? अंकित ने क्लास शुरू किया है, उसकी सुने तो 35 नंबर की गारंटी। अबे अब क्या करें? क्या करना होगा भाई? तुम जाओ ना, हम आते हैं। पास होना है तो सब लोग पास होंगे, नहीं तो सब फेल होंगे। चलो। ओके चल। अरे चलो ना। अरे चलो ना। अरे तुम लोग भी चलो। अरे चलो चलो। अरे चलो चलो। अरे नहीं। अरे चलो ना। अरे चल चल। अरे चलो सब लोग चलो। अरे सुन, लिसन लिसन, मैं यहाँ मैनेज करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक से सब चेक कर लेना। अरे चलना प्लीज प्लीज। जा कोई टेंशन नहीं है, प्लीज जा। अब मैं दिखाता हूँ कि बॉडी कैसे उठाया जाता है। तुम्हें कोई मदद चाहिए ब्रो? ए, हट हट बेवकूफ। ये देखो, एक्सीडेंट होने के बाद ब्रेन का ब्लड सप्लाई कट जाता है, इसीलिए एक्सीडेंट होने के बाद वार्डन का सर टूटना चाहिए, नहीं तो पुलिस की ऑडिटिंग करते वक्त हम सब फंस जाएंगे। गुरु हमें क्यों जूनियर की हेल्प करना चाहिए, हम फंस गए तो? सेल्फिश की तरह बात मत करो इको। सर देखो, इस डॉक्यूमेंट्री में साइंटिफिकली एक बॉडी को डिस्पोज किया गया है, इसी प्लान को फॉलो करेंगे। जूनियर्स की हेल्प करके उनके मन को जीत सकते हैं हम लोग। हट बे। छी, अबे ये मूत रहा है, मरा नहीं है बे। ब्रो डेड बॉडी कैन गो टट्टी। डेड बॉडी के साथ ये सब होना बिल्कुल नेचुरल है। पता नहीं कैसे इन पागलों के चक्कर में फंस गया हूँ मैं। अरे फंसा के रख दिया है। अरे ये तो मुत्ता है, हकता है, इसने मेरे ऊपर मुत दिया। अच्छा हुआ मैंने कपड़े नहीं पहने थे, नहीं तो टी शर्ट में मुत देता। सर मैं विक्की हूँ सर। शिट, ब्लड आ रहा है। एक मिनट सर, मैं अजीत को बुलाकर लाता हूँ। Y is equal to W square pi 2G into 4GB. अरे इधर आना। E is equal to, समझ में आ रहा है ना? अरे हो गया ना।
सी इक्वल एल प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल. ए हु आर यू? सॉरी सर. गेट आउट, गेट आउट माय क्लास. ए कौन है ये? ए जाना. वाई इज इक्वल टू, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या? यू फर्स्ट क्लास पक्का. आई टू जी इंटू फोर जी बी. अजीत बारह है. हाँ हाँ आंटी जी, मैंने 100 रुपीज का रिचार्ज किया सिर्फ 30 मिनट्स के लिए. अरे वार्डन का सर फोड़ दिया. जल्दी जा. दुख अगर इंसान को नहीं होगा तो क्या पेड़ को होगा? थोड़ा और दे दो, ग्लास पूरा हुआ तो लेकर चले जाऊंगा. बस 2 मिनट हो गया है. भाई क्या कर रहे हो भाई? एक्सीडेंट होने पर कोई भी बॉडी पार्ट्स डोनेट नहीं कर पाएगा. एटलीस्ट ब्लड डोनेट करने दो, तुम आने दो. hey, ये लास्ट है. इसके बाद ऐसा किया तो सीनियर हो ये भी नहीं देखूंगा. निकल यहाँ से. हेल्प करने की सोचा तो करने नहीं देते है ना. तुमको क्या पता है ब्लड की वैल्यू? हमारे देश में 2000 टाइगर्स के बच्चे हैं. वो रुमाल दे. टाइगर्स? ये क्या बात कर रहा है अजीता? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये क्या हुआ? इतने दिन हमारा खून पी रहा था, अब देखो ना, अब इसका खून बह रहा है. अब बहने दो इसका खून. भाई बाकी लोग कहाँ हैं? अरे वो सर किसी को क्लास से बाहर नहीं आने दे रहे हैं. फिर तो यही राइट टाइम है बॉडी को शिफ्ट करने का. सर बेटा ले. अरे बॉडी साउंड कर रहा है. अरे जिंदा है ये. अबे क्या हुआ बे? अभी वो साउंड कर रहा है, वो जिंदा है. अबे जब बॉडी हक सकता है, मूत सकता है, पात सकता है तो साउंड भी कर सकता है ना, टेंशन क्यों ले रहा है? ए राणा, ए राणा, सबको जाके बताऊंगा. अबे तुमने जो देखा वो सच है, वार्डन जिंदा है. ये क्या बोल रहे हो भाई? भाई मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, वार्डन उसमें एक्ट कर रहा है. अरे तो मुझे क्यों उसमें फंसा रहे हो? अरे कल एग्जाम है. अरे उस टकले को क्या मिलेगा इससे? अरे भाई मुझे छोड़ दे. भाई भाई प्लीज समझो. छोड़ो मुझे. भाई मैंने बस 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए सोचा था, लेकिन उस गुरुजी ने सब कुछ खराब कर दिया. मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं बोल रहा हूं ना. अरे छोड़ मुझे, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? पेपर. ये क्या है? तुम कंफर्म पास नहीं होगे, लेकिन एग्जाम के 1 घंटे पहले दूंगा 100% पास. किसी को बताना मत. ठीक है, मुझे क्या करना होगा? जो कर रहे थे वही करो. इतना ही ना, अब दिखाऊंगा अपनी एक्टिंग का स्वरूप. प्लीज यार, इतनी मेहनत, एक्शन और रिएक्शन नेचुरल आए इसलिए किया है. ओवर एक्टिंग मत करना, मेरी फिल्म खराब हो जाएगी. इसलिए ये कैमरा है क्या? ब्रो प्लीज एक्ट नेचुरल, सब कैरेक्टर्स अच्छे हैं. ए अजीत, पेपर इजी है या टफ है यार? हाँ बॉडी को उठाओ, बताता हूँ. अबे तुम लोग तब से बात क्या कर रहे हो? अच्छा ये मैटर इधर ही बता दिया, इसे तो समझ में नहीं आ रहा है. अरे यार तुम लोग कुछ भी नहीं बताते हो. तुम लोगों से अच्छा वो वार्डन था, कम से कम सुसाइड नोट इंग्लिश में लिखा था. अरे लोफर कहीं था तब भी परेशान कर रहा था, मरने के बाद भी कर रहा है. क्यों गाली दे रहे हो? वार्डन तो भगवान जैसे हैं. हे अचानक इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है? डिग्निटी ऑफ डेथ, मरने वाले को रिस्पेक्ट तो देना चाहिए ना. और कुछ सम्मान भी करना है क्या? अरे सुनो 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 सुनो. क्या हुआ? क्या क्या हुआ? वार्डन हम लोगों को छोड़कर नहीं गए. अरे इनकी दिल की धड़कन भी नहीं चल रही है, ये जिंदा कैसे हो सकते हैं? वो नहीं भाई, मरने के बाद भी वार्डन की आत्मा हॉस्टल में घूम रही है ऐसा लग रहा है. मुंह बंद कर, मुझे ऑलरेडी बहुत डर लग रहा है. नहीं नहीं जेवियर बोल रहा है तो वो सची होगा. कहाँ है आत्मा? ए पागल, वो जो भी बोल रहा है तो उसे सही बोल रहा है क्या? चलो ना, नीचे के फ्लोर पर कोई नहीं है. ठीक है चलो. चाय चाय गर्मा गर्म चाय. चाय पीनी है, चाय पीनी है, ये बोल रहे थे ना. जाओ जाके पी लो, आधा घंटा खराब करना. चाय चाहिए थी ना तुमको? आया आया पी लो. क्या यार तुम लोग पीना. चलो जाने दे. डीसी के दरेज चार्ज लगाना, बैटरी बैकअप है ना? ठीक है. इधर से देखे क्या? इधर से मत देख, उधर से देखते हैं. ये वार्डन ने खराब चाय बनवाई है यार, क्या बकवास चाय है. हे ये चाय है कि पानी? ये चाय इसमें टेस्ट है ना, कलर है, तुम क्या बेच रहे हो? हे निकी यहाँ क्या शूट कर रहा है यार? शूट करने वाली चीज शूट करना. चल वार्डन को बताते हैं, ट्रेन में तो इससे कहीं ज्यादा बेटर चाय मिलती है. अरे इसको चाय या कॉफी भला कौन बोलता है? जाके दूसरी बना के लेके आ. चाय पीने तो पियो, नहीं तो फेंक दो. मुझे बात बताओ कि कैसे बनानी है? बेवकूफ बेवकूफ. इसको चाय बनाना, गाली देना दोनों नहीं आता. हमारे गाँव दोनों सिखा देंगे. पहले तुम लोग ठीक से पढ़ाई करो. फिजिक्स एग्जाम में केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हो और मुझे बोल रहे हो चाहिए तो पियो, नहीं तो जाके सो जाओ. है इसकी माँ की. ए, ये हमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? ए, वार्डन को फोन करना, जल्दी कर. ट्राई कर रहा हूँ यार, काम नहीं कर रहा है. फेसबुक पे लाइव जाते हैं, फोन दे मुझे. तू समझ नहीं रहा है.
हाय फ्रेंड्स, आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे प्रोटेस्ट करना है। इस हॉस्टल की चाय इतनी ज्यादा बेकार है कि अगर आप पियेंगे तो जरूर मर जाएंगे, इसीलिए आज मुझे प्रोटेस्ट करना है किसी भी हाल में। क्या कर रहे हैं यार? प्रोटेस्ट में साथ दे रहा हूँ। कंडे लेके प्रोटेस्ट होगा क्या? देखो फ्रेंड्स, हमारा रेवोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। हमारे प्रोटेस्ट की वजह से प्रिंसिपल की पैंट गीली हो जानी चाहिए, इसीलिए हम लोग लाइव आ रहे हैं क्या? जरूर आएंगे। देखो फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत सबका ढोता जा, कुछ चाहे ना समझे हक सबको हासिल हो, कह दो ना अब सारे यह कर्मा। ए आओ सारे, दिन रात बस तू पढ़ता जा, चाहे कुछ समझ में आए ना, कुछ भी नहीं है बोलना इसमें तू पिसता जा। आओ सारे मिलके ये वक्त बदल डाले, लड़ते हैं सब मिलके देखे क्या होता है। हो 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 हो। सब कुछ है पास में यारों, तुम देख लो ऐसे ना, खुद को तुम अब परेशान करो, देखो तुम क्या है अब अपने हाथ में। हमारे बॉयज को तो दो ही स्टेप्स आता है, एक तो ये है और दूसरा ये। अब ये लोग नए नए स्टेप्स कर रहे हैं, हम भी करें क्या? मंत्र पास है अपने, जय जय हो जय गुरु, लड़ना है अपने हक में, हो गए हैं हम शुरू। डर है जो एग्जाम का उसको तुम मिटा दो, तुम बस लड़ते रहो सब मिलकर चले, सारे पुराने उसूलों को हटा दो। डर मत तू प्रिंसिपल देखो, बढ़ जा तू दम सबको दिखा दे तू, चाहे फटी हो चड्डी खेल कबड्डी पहन के बढ़ता जा। दुनिया की तू सोचना अपने दिल की करता जा, अपना वक्त भी आएगा अब सबको तू दिखा। हेलो, हमारा कल एग्जाम है, पहले पढ़ाई करो। सोया था तो जाग जा, दुनिया को भी तू बता, सब कुछ है बदल गया, सबको है अलविदा। बूम शकला गला गला का है, हुक स्टेप लेने देना। फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत सबका ढोता जा, कुछ चाहे ना समझे हक सबको हासिल हो, कह दो ना अब सारे यह कर। सर चाय लेकर आऊं क्या? सर कंटिन्यूटी पोजीशन सर, आपको ऐसे ही लेटना होगा। हे अजीत, बस करो अब। सॉरी सर। नहीं तो प्रिंसिपल के पास चले जाएंगे ये लोग। एक कप चाय के लिए मुझे क्या क्या बोल रहे हैं देखा ना, जाके इन लोगों को बता दूं मैं कौन हूँ। पांच मिनट में हो जाएगा। एक कप चाय पी के देश को बचाएंगे क्या? ढंग से एग्जाम लिखना भी नहीं आता, चाय के लिए धरना देते, हटो, मैं देखता हूँ इनको। सर 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 सर, बस लास्ट चांस सर। इस वार्डन पे विश्वास किया तो कुछ नहीं होगा, वॉशरूम में टाइल्स लगाएंगे ऐसा बोला था सर। रूम का दरवाजा बदलने की बात की थी, वो भी नहीं हुआ। ट्रिप और टूर्स पे जाएंगे ही कहा था, वो भी नहीं हुआ। इस टकले को चाय ठीक से बनवानी भी नहीं आती है, इसकी लाइफ भी इनकम्प्लीट है और फैमिली भी इनकम्प्लीट है, ये जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। कैसी जिंदगी है इसकी, थू। भाई लो। क्या कैसा रहा मेरा डायलॉग? थैंक्स भाई।
सर, वार्डन सर, दरवाजा खोलिए सर, वार्डन सर, सर सर दरवाजा खोलिए, वार्डन सर दरवाजा खोलिए, सर 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 क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? भाई वार्डन से बात करनी है। क्यों? सर को कंप्लेन करना है, चाय बिल्कुल पानी की तरह है। फिर तो उसी पानी में तैरते हुए रूम में चले जाओ, वार्डन फूल पीकर कमरे में सो रहा है। वार्डन उसे डिस्टर्ब मत करो। वार्डन पीते भी है क्या? अरे मेरे से ज्यादा पीता है। फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, हमें पानी की चाय देकर वार्डन पीकर पड़ा है, इसीलिए हमको प्रोटेस्ट करना ही होगा। खोलो खोलो चिल्लाना बंद करो, मैंने दारू पी रखी है, मुझे सब डिटेल से सुनाई देता है। देखिए सर ये किस तरह की बात कर रहा है। निकल जाओ वरना काट के रखूंगा। मुझसे उलझना मत, बहुत बड़ा गुंडा हूँ मैं। भागा 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 भागा। चलो चलो यस। अबे क्या कर रहा है तू? कोई दरवाजा नहीं खोला भाई। भाई 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 सेट हो जाओ। कृष्णा प्रोटेस्ट के लिए आया तो उसका पीस पीस कर देंगे। क्या आया? वो सुपर स्टोरी है, बाद में बताता हूँ। ए अब तुम्हें क्या हुआ? ए मैंने पहले ही कहा था वार्डन यहाँ पे भूत बन करके घूम रहे हैं। ए बेमतलब की बातें मत कर, चुप रह। तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुमने आवाज सुनी ना? ए आदमी मरा है आदमी का भूत बनेगा, मोहिनी नहीं। मैंने कब कहा कि मोहिनी है इसको? मुझे भी सुनाई दे रही है। गाइस मेरे साथ आओ, कुछ भी हो जाए भूत को भगाना पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगा। चलो चल 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 क्या चलो। अरे चलो ना। रफी कौन है? सीनियर फैन का भूत है। ओ ये आवाज कहाँ से आ रही है? In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. भाई ये क्या बोल रहा है? ये सर्वशक्तिशाली प्रभु। I command evil spirit to leave this place. ये सैतान आत्मा को यहाँ से बाहर निकालो। Please forgive all his sins. उनके पापों को माफ कर दो। Let the evil spirit rest in peace. इस आत्मा को शांति दिलाओ। Amen. Amen. उस चीट का लाना। इसकी तो क्या बताऊँ भाई? ए तूने अब तक गाना गाया है क्या? ए भाई बचपन से ही ना एक प्रॉब्लम है, बात करते वक्त लड़कों की आवाज आती है और गाते वक्त लड़कियों की, पता नहीं कैसे। फिर वो करते वक्त दुर्गा इसका भी नाम लिखो, ये काम आएगा। ए लिखने के लिए स्पेस नहीं भाई, है भाई, इधर आना, तुम्हें एक बात बतानी है। वार्डन ने तुम्हारा नाम लिखकर सुसाइड कर लिया है। क्या? अरे बाप रे। सॉरी सर, जाते वक्त फैन लगाकर चलता हूं। चल बता कहां पे हूं मैं? कहां हूं? जेल में हो क्या? मैं हूं मेरे बॉयफ्रेंड के रूम के अंदर। तूने कहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगी ना, अब देख। हे तेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे कौन होगा, 4 साल से वो गुटका पांडुई है ना। अरे वो नहीं, तेरे पीछे कौन है? पीछे पीछे। लगता है तुम नशे में हो, तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है। जल्दी आ जाओगे ना? पक्का ना? 5 मिनट बस कार बाहर है कि नहीं देख कर आता हूँ। एक्सीडेंट कैसे करना है प्लान तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो प्लान पूरा फ्लॉप हो जाएगा। ए गेट क्लोज हो गया, कैसे जाओगे? वो सब मैं देख लूंगा, तुम बॉडी को देखो। ये हमारी फ्यूचर की तरह इतना डार्क है, नाइट विजन ऑन करना होगा। वाह 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 वाह, ये जीनियस हैं कि सीनियर्स, क्या जीनियस है वो। देखा ना उन दारू पीने वालों को, कैसा बेकार काम करते हैं वो लोग। लाइफ में सक्सेस कैसे होंगे पता नहीं। ये करने के लिए इनको कितना दिन लगा होगा? यहाँ से रास्ता है, बाहर आओ भाई जल्दी आओ। वार्डन की कार कहाँ है भाई? यहीं कहीं होगी, रुको देखता हूँ। विक्की नहीं यार, मैंने जो भी सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा, यही सही है। मेरी फिल्म में ना स्टोरी है ना स्ट्रक्चर है, कुछ रैंडम फोटो शूट करने जैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा एडिटर मिला तो सब कुछ सेट हो जाएगा। तू? ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी है। ये लेडीज हॉस्टल में क्या हो रहा है? कहाँ? हे, कौन है वो तीन लोग? वो सीनियर्स हैं क्या? सच में वो लोग उनका नाम ढूंढने के लिए चले गए क्या? देख तो कैसे मजे कर रहा है, कल एग्जाम है फिर भी पटाखे फोड़ रहे हैं ये लोग। कोई टेंशन ही नहीं है,
जरा देख तो, मजे कर रहे हैं। हे, वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। तीन लोगों ने हमारे हॉस्टल के अंदर घुसकर हमारी ब्रा पैंटीज चोरी कर ली। शेमलेस फेलो। हे, इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है भाई। मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए थे, ऊपर से इस कमीने ने लेके उसे खर्च कर दिया। होटल में खाना चाहिए था ना। मेरे होटल का ओनर बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने जब लेमन सोडा पिया था तो उसने मेरा सर दीवार पे मारा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल मुझे क्यों डालना है? सही बोला तूने। मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी भी नहीं दे रहे यार। हैप्पी बर्थडे टू यू। डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है तुमने। और 4 सालों के बाद हमारे पास अपना घर होगा। ये हॉल, ये किचन, हाँ? ये बाथरूम, और हम जहाँ बैठे हैं वो बेडरूम। किसका फोन आ रहा है? वार्डन का है, मेरे पास ही रह गया था। इसकी कार कहाँ है? विक्की, यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, अरे 2 मिनट हैं, इतना दूर आगे पता है लोग क्या कहेंगे। दिस इज द वर्स्ट मूवी एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। पूरा कॉलेज हंसेगा यार। उधर क्या हो रहा है? अरे थोड़ा धीरे से भाग। अरे कैमरा बहुत भारी है। ये सडन सेलिब्रेशन क्यों और पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? वार्डन मर गया है, सबको पता चल गया है क्या? भाई यहाँ चल क्या रहा है? दमे तो बाहर निकलो। पटाखे क्यों फोड़ रहे हो भाई? वार्डन उठ गया तो हमारे नीचे बॉम्ब रख देगा। अरे आने दो उस वार्डन को, उस ब्रांच के लोगों ने जीवे के सर की फोटो फाड़ दी है। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं आज। आ, सब कुछ आज ही होना है क्या? वाओ, फायरवर्क्स। और क्या क्या अरेंज किया है तुमने मेरे लिए? डायमंड रिंग वगैरह तो नहीं लेकर आए ना? दिस इज द बेस्ट बर्थडे एवर। लेकिन तुम ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? हमारे मेमोरीज के लिए। देखो ना, मुझे काशी, प्रसन्ना, अभिलाष किसी ने विश नहीं किया, और बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं। एग्जाम के टेंशन में भूल गए होंगे। खाओ। मैं ऐसे नहीं खाऊंगा ना। क्यों? पहले डोर तो बंद कर लो और कैमरा ऑफ करो। एक नहीं, शेर खान 100 लोगों को एक साथ बुलाता है। सब के सब बाहर आ जाओ। ठीक है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? क्यों जीबी के सर की फोटो तोड़ी है तुम लोगों ने? ए, वो हमारे ब्रांच के साथ बहुत अच्छे हैं, हम लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो फिर क्यों करेंगे ऐसा? तो पागलों जैसे पटाखे क्यों फोड़ रहे थे? ए, हमने फोड़ा, तुमने देखा क्या? ए, हमारे ब्रांच के लोगों से झगड़ा मत करना। हाँ ठीक है, अगर हम लोग गरीब है तो। अरे इस बात से क्या लेना देना है? पुअर 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 हो तुम लोग। ये 200 रुपए का पेट्रोल डालता है, ये गरीब है क्या? राशन कार्ड होल्डर। यहाँ क्या कर रहे हो? बॉडी बॉडी बाहर लाते समय कुछ साउंड आया था यार, क्या है ये? देखने के लिए बाहर आए तो झगड़ा चल रहा है। बंदे कहाँ हैं? वो उसके पीछे। छोड़ना मत, छोड़ना मत किसी को। बॉडी कहाँ है? डस्टबिन में। अपना भाई हीरो है। ए मेरे पास एक और प्लान है, एक मिनट बताता हूँ। रुको।
उधर तो ड्रम भी बज नहीं रहा है, तुम स्टेप कर रहे हो गुरु। मैं तो जनरेटर के साउंड पे भी डांस कर सकता हूँ और वो भी बहुत अच्छा। ए, रेड वाइन। यस। अरे बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल ड्रैकुला जैसा। पी गया कमीना। छोड़े बच्चे हो तुम लोग। अरे कुछ बजाना यार, थोड़ा डांस करते हैं भाई। क्या तब से बम फोड़े जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा यार। बम तो फोड़ते रहते हो हमेशा, अजीत हो सर। मजाक की भी हद होती है। चलो चलो डांस करते हैं भाई लोग। रो क्यों रहे हैं सर, आपको कहीं चोट लगी है क्या? उस आदमी को मरे हुए 4 महीने हो गए हैं, उसकी फोटो तोड़ी गई है, इसलिए इतना बड़ा झगड़ा कर रहे हैं। उनका बाप मर गया है ऐसा फील हो रहा है। मुझे मर के 5 मिनट भी नहीं हुआ, ये कमीना मर गया है, इसके साथ अच्छा हुआ है ये बोल रहे हैं। अभी हम कौन से फ्लोर पर? फर्स्ट फ्लोर सर। फोर्थ फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक एक डॉगी की तरह लेकर आए हैं ये लोग। तुम लोगों को दया भी नहीं आती है क्या? आर्मी में दुश्मनों की बॉडी भी फ्लैग में लपेट कर भेजते हैं और यहाँ मुझे डस्टबिन में डाल दिया है। पूरे कपड़े में मेरा ब्लड है, उसको देखो ऐसे देख रहा है जैसे उसका राज्य चल रहा है। यूजलेस फेलो। मुझे एक बात समझ में आ गई है। क्या है सर? मैं तुम लोगों का ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। सर 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 सर, ऐसी बात मत कीजिए सर। अच्छे से ख्याल रखा होता तो तुम लोग ऐसा नहीं करते। सर अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी रोक देता हूँ, मुझसे भी नहीं हो रहा। ए, तुम कौन होते हो मुझे बीच में रोकने के लिए? मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। एक्शन। कट कट कट। कंटिन्यूटी देख लेना। ओके डन। विक्की, वार्डन की माँ जी कॉल कर रही हैं। कौन सी टैबलेट खानी है पूछ रही हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ चलो चलते हैं, बस करते हैं यार। और 10 मिनट रुक कर देखते हैं। बहुत सेल्फिश जैसा काम कर रहे हो। मेडिकल इमरजेंसी होगा तो वार्डन के सर से खून बह रहा है। मुझे लगता है 5 मिनट में हो जाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं अजीत? कार के लिए गया था, नहीं मिली। सीनेट को सैल्यूट करना होता है, पता नहीं है क्या। 1, 2, 3। नमस्ते। नमस्ते। हम कौन लोग हैं? स्टूडेंट सर। हम कौन हैं? स्टूडेंट सर। हम हॉस्टल के लोग हैं। हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ये है क्या? क्या ये है? वही है। देखो इस साइड के लोग उस तरफ घूमो और उस साइड के उस साइड घूमो। इस साइड घूमना। अरे गुड। अरे अब ये किस करने के लिए? थोड़ा पास आओ। लगता तो मुझे ऐसा ही है भाई। अपनी आंखों में देखो। क्या बोल रही? थोड़ा प्यार से देखो। अब हग करने बोलेगा? अब जो भी लेफ्ट है राइट वाले बंदे को एक थप्पड़ मारो। मारो ना। अब राइट वाले लेफ्ट वालों को थप्पड़ मारो। प्रॉब्लम सॉल्व। LHS RHS प्रॉब्लम सॉल्व। गांधी जी ने क्या कहा था? एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे करना है सर। हमेशा क्यों अपना गाल दिखाना होता है? हमें क्यों मारना चाहिए? अरे वाह रे वाह, क्या स्पीच है गुरुजी की। आहा, क्या बात है, क्या बात। उधर एक आदमी मर गया है। भाई इसने बोल दिया मतलब जेल फिक्स। चुप रह। यहाँ एक जिंदा है। देखा? बाप रे बाप। ये मौत और जीवन के बीच में सिर्फ एक ही लेटर है। हे, लेटर के बारे में बोल रहा है? अरे वो लेटर टी है। ए, चाय है क्या? हे, चुप कर। टी फॉर टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1998 में मेरा वॉच रिपेयर हो गया था। मैं एक अंकल के पास जाके पूछा, अंकल टाइम कितना हुआ? उसने मुंह बिगाड़ कर बोला, जॉब बोल दिया था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था अच्छे से पढ़ाई करना है और बड़ा होने के बाद ग्रेजुएट बनना है। टाइम इज वेरी प्रीशियस बॉय। टाइम मेरे से नहीं होगा। ए, मैं सरेंडर हो जाता हूँ, सरेंडर हो जाता हूँ। मेरे से नहीं होगा यार, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा यार बस। ए, वो पागल वहाँ क्या कर रहा है? यही है क्या तुम्हारा प्लान? भाई प्लान पूरा सेट हो गया है। हमारे प्लान के मुताबिक अरविंद लड़की की आवाज में गाना गाएगा तो सारे लड़के उसके तरफ चले जाएंगे। तब हम बॉडी को फर्स्ट फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक लेके चले जाएंगे। ए अरविंद, एक बार प्रैक्टिस करके देख। आपस में प्यार बनाकर रखो। ए,
ऐसे क्यों गा रहा है भाई तू? हाँ स्टेज फियर हो रहा होगा। हेलो, लेटर में मेरा नाम है और तुम लोग उसी को पकड़ के बैठे हो। डर से आवाज नहीं निकल रही भाई। मैं एक काम करता हूँ, दूर जाके गाता हूँ, ठीक है? ठीक है, निकल। हाँ, तेरा भी प्लान एकदम बेकार है भाई। तुम्हारा प्लान गुरुजी को बताते हैं, नहीं तो वो गड़बड़ कर देगा। चलो चलते हैं। हाँ जाओ, चलो। हाँ ठीक है, चलो। वॉच खरीद लो। मुझे तो एक श्लोक याद आ रहा है, यंत्र नार्यस्तु रमंता भजतम प्रजम प्रभुत्वा। मतलब हमें टाइम को वैल्यू देना होगा तो वैल्यू हमें टाइम देगा। सर आपने बोला है सर, यंत्र नार्यस्तु, इसीलिए हम सब क्यों लड़ाई कर रहे हैं? So nice. हम सब ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स हैं। हम सबको ग्रुप फॉलो, हम सब प्यार से रहेंगे। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब प्यार प्यार से हैं। आगे कोई लड़ेंगे नहीं हम लोग। ये बात करना क्या डायलॉग मारा अपना भाई ने, अपना भाई। वैसे ये बताइए आपका प्लान क्या है? चल 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 शांत रहे भाई। गो गो। ठीक से बताया है ना तूने मुझको? अरे भाई कोई लड़की गा रही है। क्या बात कर रहे, सच में? क्या बात है, लड़की गा रही है? चल 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 तेरे प्यार में डूबी हूँ मैं। अरविंद तू बहुत टैलेंटेड है। अरे कौन गा रहा था? ओ सॉरी, बचपन से मुझे एक प्रॉब्लम है, बात करते वक्त लड़के की आवाज आती है और गाते वक्त लड़की की। अरे यार सारा मजा ही खराब कर दिया। हाँ वही ना यार, पूरा मूड खराब कर दिया। मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। हाँ, ठीक है। ओके, I'll be here। क्या हुआ, गा क्यों रही हो? पता नहीं यार, उसने कहा गाने के लिए, इसीलिए गा रही है। पहले तुम वहाँ से बाहर आओ। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अरे संभाल के पकड़। अरे यार कितना खून बह रहा है। ये सब मैंने टीवी में देखा था, रियल में फर्स्ट टाइम है। फुल स्ट्रेच करो, बस दैट्स इट बेबी। चलो स्लोली स्लोली गेट अप करो। यस, धीरे से। वाओ, मिरेकल ने चमत्कार कर दिया। जम क्या बात है, मत है बिल्कुल। अरे चलो भागो 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 भागो, जाकर दीवार को पकड़ लो, जाओ। ये कैसे हुआ? क्या बात है, क्या बात है यार। गाइस आई विल गो एंड गेट द होली वाटर, ही विल बी कंप्लीटली ऑल राइट। जेवियर द सेवियर। हाँ करेक्ट। लग रहा दर्द हो रहा है, रुकना, बताना कि हो क्या रहा है तुझे? मर जाऊंगा मैं। अरे अरे उसकी माँ ने कहा था वो जो भी कहेगा मुझे मानने के लिए, नहीं तो वो मुझे परेशान करेगा। अरे मेरा पैर, चलो चलो इसको रूम में लेकर चलते हैं। चलो अरविंद कुछ करना है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। चलो ऐसा बोला वैसे किया, लेकिन संभाल के पकड़ो, मर गया मैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कुछ तो गाली मत देना, वार्डन भगवान के जैसे हैं। हाँ। मैं डीसी बोल रहा हूँ, वार्डन भगवान जैसे आदमी हैं। इसको देखो मरने वाले की पूजा कर रहा है। ये आगे बॉयज, हमारा प्लान, हमने जैसा प्लान किया था, अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेप में हैं, जस्ट बाउंड्रीज क्रॉस किया है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हे, गाली मत देना, माँ बहन नहीं है। मैंने क्या कहा, सॉरी भैया। माँ बहन औरत के बिना कोई गाली नहीं होती क्या? आ, आ, इसकी माँ, उसकी माँ, इसकी माँ, गाली कौन सी हो सकती है? माँ की इसकी माँ कौन सी हो सकती है? मदर, इसकी माँ। रास्कल, अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, यहाँ से। क्या इंसान हो आप लोग, हेल्प करने के लिए आए तो हम लोगों को ही डांटोगे? बस आपकी मदद और नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ये लड़के गाली देना सीख गए हैं गुरु, इनकी बातों पे ध्यान मत देना। पहले आप लोग बाहर जाइए। एको, तुमको एक कहानी सुनाओ क्या? मुझे छोड़ दो गुरु। अजीत, मुझे एक आइडिया आया है,
हम पावर कट करके बॉडी को बाहर ले जा सकते हैं। तुझे क्या लगता है वो आईडी हमको नहीं आया है? पावर कट होने के बाद एक मिनट में यूपीएस ऑन हो जाएगा। एक मिनट में तो ठीक है ना, एक मिनट में वो फ्लोर क्लियर कर सकते हैं, कोई नहीं देख पाएगा। राजा तुम जाकर पावर ऑफ। ओके हे उठाओ, सब रेडी है क्या? चलो आ जाओ। हाँ रेडी रेडी रेडी। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इनको सीक्रेट डोर के बारे में बताया नहीं क्या? यार शिट, ओ शिट, ये तो सुरंग में फिट ही नहीं होगा। अब क्या करें? हम इसको लिफ्ट करके ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, उठाओ उठाओ। विक्की मुझसे नहीं हो पा रहा, कैमरा नीचे रख के मेरी बॉडी उठाने में हेल्प करना। आना जल्दी आ। सर यहाँ पर कोई नहीं है, क्या आप भी बॉडी को उठाने में हेल्प करेंगे? अरे अरे क्या हुआ, ये क्या हुआ? ए राजा राजा अब ये शांत हो जा, भूत नहीं है वो, भूत नहीं है, ये मेरी शॉर्ट फिल्म है, वार्डन बस एक्टिंग कर रहे हैं, वो मरे नहीं है। चिल्ला मत, मेरी जान से खेलने का राइट तुमको किसने दिया? भाई ये कल के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। सच में? हाँ अब सब कुछ सॉर्टेड है। ये शॉर्ट फिल्म की शूटिंग है क्या? वो रफी तौफीक सीनियर सब लोग कौन थे? भाई उनके बारे में मुझे नहीं पता, मैंने तो बस 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म सोची थी, लेकिन गुरुजी ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अरे लेकिन मुझे तो सीक्रेट मेंटेन करना नहीं आता है ना। विक्की तुम जाकर बाकियों को संभालो, मैं इसे संभालूंगा, जाओ। यही है तुम्हारा रिसर्च? सर अब तक तो मैंने आपको कोई गाली नहीं दी है ना सर, कोई तो मेरी वॉइस की मिमिक्री कर रहा है सर। इको मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप एक्सीडेंट से मर गए थे, ये देखकर मेरे भाई को अटैक आ गया था, मेरी दीदी किसी के साथ भाग गई थी, तब मैंने एक होटल में काम किया था। हम नशा करने से उड़ेंगे तो नहीं ना? ए पूरी बात तो सुनना, मेरी पूरी कमाई स्वीट्स और आधी दारू के लिए खर्च हो जाती है, सिगरेट के लिए भी पैसा नहीं बचता है, उस दुख के सामने ये सब क्या है? चाहिए क्या, अरगू से लाया माल है। डेली डेली दारू पीकर अब उल्टी कर रहा है। ब्रो यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? मैं विक्की। हे निकी, वॉचमैन फोन पे बात कर रहा है यार, कहीं वो आ गया तो? चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिश करी बना कर रखो, आने के बाद हम दोनों सीरियल देखते हुए खाएंगे। अरे यार ये अजीत का प्लान क्या है? ए, वो हमको मोबाइल नंबर समझ रहा है, हर घंटे प्लान चेंज कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? एक ही रात में इतना शॉक दे दिया क्या साईं बाबा? करेक्ट। अबे ये तो किसी बैंक रॉबरी का सीन लगता है। वो बंद करके मुझे फॉलो करो, डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं। निकी पकड़ो बॉडी, बाहर लेकर चलते हैं। फॉलो करने की वजह से तो हमारी जिंदगी छोटी लग रही है, दो लोग भी चलो। मैं किसी को दिख नहीं रहा हूँ ना, हमारे हॉस्टल में ऐसी प्लेस है ये अब तक मुझे पता नहीं था। क्या है क्या ये, यहाँ कोई खजाना मिलेगा क्या? सर क्या है? मैंने गलती कर दी है सर, सॉरी सर। क्या हुआ है, कैमरा ऑन नहीं है क्या? वो नहीं सर, आपका फोन भेज दिया क्या? नहीं सर, आपकी माँ ने 4-5 बार फोन किया था, आपको बताने के लिए सोचा था लेकिन। क्या बात है? हाँ सर, डॉक्टर ने फोन किया है, पूछ रही थी कौन सी टैबलेट लेनी है, ये भी पूछ रही थी, उनकी आवाज भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी सर। ए, मेरी माँ को मरे 25 साल हो गए हैं, वो हर दिन मुझे फोन करके रात में खाने में क्या खाओगे, चपाती खाओगे या चावल खाओगे, गेट बंद करना है या खोलना है, चिकन खाओगे या नहीं, ऐसे सवाल पूछ कर मुझे परेशान किया करता है। हाँ फिर सर आपने फोन में उसे माँ नाम से सेव क्यों किया है? वो माँ नहीं, उसकी मौत की, उसकी मौत। ये सीन देखकर सेंसर के लोग एंजॉय करके कट कर देंगे। वो नहीं सर, ट्रू कॉलर में आपने कभी चेक नहीं किया क्या? वो कोई नागा नहीं है, जिस दिन मेरे हाथ लग गया ना मार डालूंगा उसको। नागा? इस नाम का तो कोई हॉस्टल में है ही नहीं। उसके बारे में छोड़ो, मुंह बंद करके चलो। ए, हटो। सॉरी सर। अरे ये क्या है, यहाँ तो पूरे बॉटल्स और बैलून है। यहाँ किसने क्या क्या किया किसको पता है? डीसी हाँ? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या है? वार्डन मरा नहीं है, जिंदा है। हाँ? तुम्हें कैसे पता है? अजीत ने बताया मुझे, मैं सीक्रेट मेंटेन नहीं कर पाता हूँ ना, इसलिए तुझको बता दिया। ओ, तुम्हें भी बता दिया? मुझे भी बताया था उसने। हाँ? मतलब ये बात सबको पता है? ये क्या है बे? पेटी सर्विस। हिंदी में बोलना। अरे यार छोड़ना, अभी तुझे हिंदी सूझ रही है? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। कार कहाँ है? अरे यार लगता है मेरा पैर तो गया। अजीत बॉडी को कार में रख के एक्सीडेंट जैसा सेटअप बना देंगे। मेरा भी तो यही प्लान है सर, आपके पास कोई और प्लान है क्या? अरे
ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उधर देखिए वार्डन की बॉडी को किस तरह से लेकर जा रहे हैं। नहीं तो सबके सामने खुला लेकर आना है। ये ओपन कैंपस है, फंस गए तो अपनी मर्जी से कीजिए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। ये देखना वहाँ पे। अरे समझाओ। ए, 5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा ना? नहीं तो इसके पास बैठकर घंटी बजाते रहो। यार इस टाइम ये बात पूछना गलत है, पर हमारे ग्रुप के साथ वार्डन की एक भी फोटो नहीं है। वार्डन ने 2 बार फोटोग्राफर को बुलाया था, पर हमें से कोई भी नहीं गया था। एटलीस्ट इनके साथ मेमोरी के लिए एक तो फोटो ले सकते है ना। ताजमहल नहीं है, बॉडी है ये। फोटो लीक हो गया तो हम सब बच जाएंगे। बात करता है। उसके वीडियो लेने से प्रॉब्लम नहीं है तो फोटो से क्या होगी? हाँ और क्या, मैं अभी अपनी पर्स में रखूंगा। मैं डीसी से बात कर रहा हूँ, मैं फोन में वॉलपेपर लगाऊंगा। ए भाई पूछना, प्लीज पूछना भाई। अजय यार ये फोटो के पीछे पड़े हैं, पागल क्या कर रहा है? अभी ये सब जाए क्या पागल? एक मिनट रुकना। क्या है? फोन देना। क्यों? अरे ग्रुप फोटो लेना, देना। अरे सब बंद करके जाओ ना। सर स्माइल। वी शेप में रखो ना। एक लगाऊंगा तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। चल फोटो खींच। वाह वाह, वार्डन सर को सूट अच्छा लगेगा ना, मैं जाकर लेकर आता हूँ। वार्डन सर कुछ भी नहीं पहनेंगे तो भी अच्छे लगेंगे। तू फोटो खींच। अरे तू जल्दी निकाल रे। चीज और किसी की आखिरी इच्छा है क्या? तू ये सब क्या कर रहा है? पागल वागल हो गया क्या? जिंदगी में किसी डेड बॉडी को इतने करीब से नहीं देखा यार। क्या कर रहा है जी? ये क्या कर रहा है बेची? अरे वार्डन ही हमेशा बोलता रहता था ना कि उसके पिछवाड़े में 3 बुलेट के छेद है। वो बुलेट का छेद कैसा होता है यही देख रहा हूँ। एक नंबर का झूठा था तू। तुझे ना सच में दिमाग नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। ये छोड़ दिया था तो इसका पोस्टमार्टम कर देगा। जा जाकर कार लेकर आ, लेकिन इसे संभाल के रखना। हाँ ठीक है ठीक है। उठाओ उठाओ, चलो आजा। थोड़ा संभाल के लपेटो इसे। है निकी, वो थोड़ा अलग है। जाओ तुम जाओ ना। भाई रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। कार कहाँ है? एक मिनट पकड़ो ब्रो, मैं जाके आता हूँ। क्या? वो आप कैमरा पकड़ो, थोड़ा संभाल के पकड़ो, ऑफ मत करना। तो ये है हमारा कैमरा मैन निकी। आज रात जो आप देखने वाले हैं वो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। हम लोग अभी एक कार को ढूंढ रहे हैं और कुछ ही देर में उस कार का एक्सीडेंट होने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार भी उस कार का एक्सीडेंट होने से पहले आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं। तो चुपचाप चलो उधर। हाँ उधर देखो, वही वही मेरी कार है, दिख रही है ना? लेट्स स्टार्ट बूमरैंग 5 6 7 8। तुम बस एक ही बार ऐसा करो, वो अपने आप रिपीट होगा। 5 6 7 8। मैं इसी कार के बारे में बोल रहा था, ये बहुत लंबी है और एकदम सफेद रंग की है। लगता है कोई आया है। कौन है? ये कार ऑलरेडी डैमेज हो गई है और अभी और डैमेज होने वाली है। केक बंद करो, केक बंद करो, बाद में बताता हूँ। ये सब बंद करो पहले। ये क्या कैंडल और लाइट है? वो जेवियर यहाँ आया है क्या? अजीब लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे केशव ये कौन है यार? स्कूल फ्रेंड है यार। हाँ? कौन से स्कूल से यार? अभी भी ये स्कूल में पढ़ती है? स्कूल फ्रेंड मतलब स्कूल जाने वाली नहीं, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। डेकोरेशन भी बहुत अच्छा सेट किया है, बीच में एस भी लिखा है। ब्रो ये क्या कर रहे हो? हे निकी बहुत अच्छे से जूम करके सब रिकॉर्ड करो। सॉरी ब्रो, मैं दूसरों के प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। क्या बोल रहा है यार, प्राइवेट और गवर्नमेंट बोल रहा है तू? प्लीज भाई मुझे छोड़ दो ना। क्या ये सब? कैमरा इधर घुमाओ। बेबी तुम इतना डर क्यों रहे हो? हा? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस केक खा रहे थे। ए स्कूल लड़की सच बताओ केक ही है ना? भाई तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जा। अरे अरे तो वार्डन का सूट है ना? हम उधर परेशान हो रहे हैं और तू ये सूट पहन के इसके साथ केक खा रहा है। रुक अभी जाके वार्डन को बताता हूँ। अरे यार चाहिए तो ये केक पूरा ले लो, लेकिन तुमने जो देखा उसे किसी को मत बताना, प्लीज मान जा यार। वो कौन सा फ्लेवर है? गंदा इंसान। पैर के ऊपर तिल। हाँ स्मिता तुम्हारे लिए उधर 3 लोग परेशान हो रहे हैं और तुम यह केक खा के एंजॉय कर रही हो? क्या बात कर रहे हो? कौन है वो लोग? ओह स्कूल की बच्ची को तो कुछ भी नहीं पता है बेचारी। एविडेंस पूरा मिल गया है ना, अब वार्डन और बॉयज को लेके आता हूँ मैं। रुको मेरी बात सुनो प्लीज यार, मेरी बात समझो। तुम क्यों इससे ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हो? रेखा के पास इसकी एक फोटो है। कौन सी फोटो? कौन सी फोटो? अरे इसकी फोटो है। कैसी फोटो यार, सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ए, फोटो के मैटर को किसी को मत बताना, मैं ये बात किसी को नहीं बोलूंगा। ठीक है सुमिता चलो यहाँ से चलते हैं। अभी नहीं बॉयज, सब बाहर ही हैं, मैं बुलाऊंगा तब आना। हे बॉयज बाहर क्यों हैं? तुम कैसे बाहर आ गए? जैसे तू आया ना मेरे बुलाने के बाद ही बाहर आना, फालतू में सवाल मत पूछा कर। अरे 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 भाई 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 एक मिनट, विजय का बर्थडे कैसा रहा? उसको उठा के लात मारा था ना? चाहे तुमने इधर सेलिब्रेट किया, हमने उधर सेलिब्रेट किया, बस। हाँ तुमने वार्डन का कोट पहना ना,
तो हमने उसे मारा था बस। मुझे समझ में नहीं आया। मुझे आ गया। हे निकी, कहाँ भाग रहे हो? उधर जो भी वो सब बता दोगी क्या? मैं फंस जाऊंगा यार। नहीं ब्रो, वो फोटो वायरल हुआ ना तो उसके कारण तुम होगे। कैमरा लेके मारूंगा। मुझे क्या करना तुम्हारे प्राइवेट मैटर से? बॉडी का है वहाँ डाल दिया यार। ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया ना? नहीं तो समाधि बना के उसका पेंट करते क्या? निक्की फुटेज डिलीट कर दो, कोई काम नहीं आएगा, स्पेस वेस्ट होगा। अरे क्या हुआ? फोन गया, पैर टूट गया और तो और डेड बॉडी के साथ सेल्फी भी ले ली। ये कमीने लोग तो चलना। अरे पांच मिनट बोल के पूरे 5 घंटे बीत चुके हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हे चुप हो जाओ, बस हो ही क्या। तुम्हारी वजह से हम सब का इतना टाइम खराब हुआ। 5 घंटा होने का कारण तुम ही हो। वो कैसे? उस नशेड़ी बैच को तुमने ही बुलाया था, मेरा प्लान नहीं था। तो वो सब तो मजाक में हो गया था, तो क्या? उधर एक आदमी नंगा डांस कर रहा था और वार्डन का सर फूट गया है, ये सब मजाक लग रहा है क्या? तो जब वार्डन के सर पे चोट लगी तभी रुकना चाहिए था ना, तो फिर वो सब होने क्यों दिया? सब जानता हूँ तेरे दिमाग में क्लैरिटी है ही नहीं, एक शॉर्ट फिल्म बनाना भी नहीं आता, कुछ भी इधर उधर का शूट करते जा रहे हैं, शादी की वीडियो जैसा। अरे मार पीट क्यों कर रहा है? मैंने तो सच कहा ना, बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ? उठो उठो आराम से, क्या कर रहे हो? सॉरी बॉयज। तुम दोनों लड़ाई करके हमें सॉरी क्यों बोल रहे हो? अब तक जो भी हुआ वो झूठी है। ए, छोड़ उसको जाने दे, रुको बात करता हूँ मैं। अरे 5 मिनट की बात है। वार्डन के साथ मिलकर 5 मिनट के शॉर्ट फिल्म बनाने वाला था, उसके मरने की खबर जानकर सोचा नेचुरल रिएक्शन और परफॉर्मेंस आएगा, इसको सुबह ही अपना प्लान बताया था। हम दोनों के झगड़े की वजह से तुम लोगों को बेवकूफ बनाने की सोच रहे थे, लेकिन इसने उस नशेड़ी बैच को लाकर सारा प्लान चौपट कर दिया। रुको रुको, तुम क्या बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। मरा है मेरे भाई ना, उसने लेटर लिखा है, मैंने किया था वो सब। अरे यार क्या हुआ, तुम्हें से किसी को पता नहीं है क्या? तुम सबको पता है, यही सोच रहा था। तुमको भी पता है क्या? हाँ। और कितने लोगों को पता है कि वार्डन जिंदा है? राजा तुम्हें भी पता है क्या? वहाँ देख यार, सबको पता है वार्डन हूँ। मुझे हार्ट अटैक आ गया था। तू इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? तेरी तो शॉर्ट फिल्म के लिए ऐसा करेगा हमारे साथ? तेरी तो छोड़ेंगे नहीं। सॉइड करने के लिए क्या कर रहा है ये? तू क्या कर रहा है यार? बंद करो इसे यार, समझा ना इसे। ए तू कैसे मान के इसी बात को? क्वेश्चन पेपर देगा इसीलिए मैं माना, जाके पूछ ले, मेरे से बहस मत कर तू। अरे उन्होंने हमें धोखा दिया है, वार्डन मरा नहीं है, ये एक शॉर्ट फिल्म है, वो मंच है जिसमें हम सब अभिनेता हैं। व्हाट? सॉरी ब्रो, हम लोग ही मिले थे तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। आफ्टर ऑल क्वेश्चन पेपर के लिए इतना करोगे क्या? कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली तुमको, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा सर। सर माफ कर दीजिए सर। सॉरी सर, अगर कोई गलती हुई तो माफ कर देना। सर आप ठीक तो हैं? वो बेवकूफ है, आपको दिमाग नहीं है क्या? ब्रो बस 2 मिनट ब्रो, क्लाइमेक्स शूट कर लेते हैं ब्रो। तेरी क्लाइमेक्स की ऐसी की तैसी, बंद कर फालतू में जे। अरे बस क्लाइमेक्स ही तो बाकी है। अरे अजीत, अरे वो लोग जा रहे हैं यार, प्लीज एक बार बात करो ना, नहीं तो अब तक जो भी किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। अरे क्लाइमेक्स खत्म कर देते हैं यार, एक बार बात करो ना। ब्रो एक मिनट यही रुको। क्या कर रहा है यार, अब तो कैमरा बंद करना। सर एक बार तिरुपति जाके दर्शन करके आइए सर। ब्रो प्लीज ब्रो, एक मिनट रुको ना ब्रो। ए बंद करना बोला ना। ब्रो सिनेमा बनाने के लिए 5 साल लेते हैं, तूने ये सब क्वेश्चन पेपर के लिए कह रहा हूं। ए बोला ना, हट जा, बंद कर। ए तुझे रूम में रखना ही बेकार है, चल कैमरा हटा, एग्जाम का टाइम हो रहा है यार। ये देखो फिर से शॉट लेने के लिए बोल रहा है। हां यार तेरा सर फोड़ दूंगा, निकल जा यहां से। ए निकल, ए इतना बोलने के बाद भी शूट कर रहा, निकल यहां से यार। 5 मिनट ब्रो, वार्डन को कार में बिठा के एक शॉट में एंड कर देते हैं, अब तक जो भी किया वो सब वेस्ट हो जाएगा ब्रो। आपके पैर पकड़ता हूं। ये क्या है भाई, तुम हम लोगों से बड़े हो, ऐसा मत करना यार। सर सर क्या सर, कहाँ जा रहे हो? सर 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 रुक जाइए सर 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 सर, जो भी हुआ आपको पता है ना सर, प्लीज बात कीजिए ना सर। सर यहाँ पर सब कुछ मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सर, प्लीज मेरी बात समझिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सॉरी सर, अजीत चलो कार लेकर हॉस्टल जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं वो? अरे पता ना सर। सर भाई आई थिंक ही इज रेडी टू एक्ट।
सर ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है, हम दूर से ही देखते रहेंगे सर, जोर से बारिश आएगी, मेरे कट बोलने से पहले आप हिलिएगा मत सर, ओके ना सर, मैं जा रहा हूँ सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, एक्शन। बेबी, क्या हो रहा है, कौन है ये? हे निकी, हे ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये सब लोग मिलकर यहाँ कुछ करने वाले हैं, सेफ्टी के लिए है, तुम रुको, अब बताओगे कौन है ये? अरे हमारा वार्डन है, ये कार और ये सूट उसी का है, अगर तुमको और मुझे देखेंगे तो इस कैंपस से हम दोनों को निकाल देंगे। 100% कुछ तो प्रॉब्लम है बेबी। ब्रो अब क्या कर रहे हैं? मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन पेपर, एक काम करो तुम लोग जाओ, मैं फिनिश करके आता हूँ। सॉरी बॉयज। इसने सही पेपर दिया ना? निकी एक स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या करना है बताओ, जल्दी बताओ। मेरी बात सुनो, उधर ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है, जोर से बारिश हो रही है, सब लोग उधर देखो बस, और इसका एंड मैं करूंगा। हाँ मतलब अब बारिश आने तक वेट करना होगा? रेन इफेक्ट के लिए टैंकर लेकर आया हूँ भाई। और क्या क्या रेडी करवाया तूने? मैं बारिश में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बुखार हो जाता है। ठीक है तुम लोग दूर खड़े हो जाओ। एक्टिंग कैसे करना होगा? इस तरह से जैसे वार्डन को लास्ट टाइम देखने वाले हो, है ना? ओके थोड़ी दूर से देखो ना। सैडमैन, सैडमैन। अरे वार्डन को आखिरी बार देखोगे, दुखी होकर देखो ना प्लीज भाई। मोर सैडमैन। मुझे रोना नहीं आ रहा। देखो रोना आ जाएगा। इसीलिए कहता हूं कमीनों से एक्टिंग नहीं होगी। और कितनी देर लगेगी? शूटिंग मतलब ऐसी ही है चित्रा, ये छोटे बच्चे छोटे छोटे कैमरा लेकर जो मन में आए वो शूट कर लेते हैं। रील पे शूट करने का टाइम ही चला गया। कॉल शीट मतलब पक्का कॉल शीट, टाइमिंग मतलब करेक्ट टाइमिंग। घर कितनी देर में आओगे? हेलो निकी, सब कुछ आ गया है ना? मुझे सच में रोना आ रहा है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ बता क्या बोल रहा था। क्या हो गया ये अजीत, ये ओके है क्या? हाँ ओके ओके। अरे भाई ओल्ड कैंपस के पास आओ ना। अरे उसका एक्स्ट्रा होगा भाई। हाँ ठीक है, ये लड़का कुछ भी कहो यकीन कर लेता है। ए, लोकेशन शिफ्ट। हाँ हाँ कौन है वो लोग? कौन? हे रुको रुको। अरे रुक जाओ। हे इन लोगों ने बॉडी को कैसे छोड़ दिया है देखो, बेवकूफ लोग। ऐसे लोग को काम देंगे तो ऐसा ही होगा ना, किसी ने देख लिया तो हम लोग फंस जाएंगे, तब क्या करोगे? चलो बताओ क्या करें? बॉडी को गायब कर दे क्या? बॉडी के साथ साथ गाड़ी को भी गायब करना पड़ेगा। वो कैसे? वो सोचना होगा। एक रोल बनाओ क्या? बेबी ये लोग पागल है क्या? थोड़ा काम कर। पहाड़ के ऊपर से धक्का दे दे तो, ट्रेन के नीचे डाल दे तो, दफना दे तो, उसके लिए टाइम चाहिए होगा। मुझे तो टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, फौज जैसे चाहिए। गुरु गुरु बॉडी को जला दिया तो? केरोसिन लेकर आऊं क्या? कार में पेट्रोल होगा ना। इतना दिमाग कैसे गुरु? अरे चुप हो जा। अरे चुप हो जा। हम में से सबसे बड़े हो, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? शांत हो जा। दिमाग खराब है इनका, ये लोग पेट्रोल क्यों पी रहे हैं? अरे वो लोग तो कुछ भी पीते हैं, उनका बस चले तो दीवार भी चाट ले। वहाँ तो टॉयलेट करते हैं ना, बोलते हैं सुपर टेस्ट, पेट्रोल का टेस्ट बहुत अच्छा है। और भी डालो ना। ये लोग कुछ तो नया ड्रामा प्लान कर रहे हैं। मुझे तो ड्रामा जैसा नहीं लग रहा है। सच में पेट्रोल डाल रहे हैं, ड्रामा नहीं है ये। वार्डन रूम में नहीं है, उनका फोन काम नहीं कर रहा है।
आप सब मिलकर वार्डन को कुछ कर दिए हो क्या? सर मैं सच कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। क्या छोड़ दीजिए, दारू है क्या? आप सबने मिलकर हॉस्टल में दारू पी रखी है? कुछ मत बोलो सर, डेविड के पैर में चोट लगी है इसीलिए होली वाटर लेकर जा रहा हूँ सर, छोड़ दीजिए। कहानी सुना रहा मुझे सर। चल, सेटअप रेडी है क्या? मैं रेडी हूँ। तुमको नहीं, चेक करते हैं वो। चेक करते हैं ना, करो। ऑन किया तो पानी आ जाएगा क्या? एक बार मेरा इंजन स्टार्ट हो गया ना तो शोर मचाएगा। ऑन करो। ये क्या हो रहा है? चलो बाहर चलते हैं, नहीं तो जल जाएंगे। जल्दी चलो, चलो। मैं कुछ कर सकता हूं। सर, सर, आइए सर, सर। अरे। भाई पानी फिर से नहीं मिलेगा, वेस्ट मत होने देना, प्लीज। अजीत ट्रेन बोल रहा था ना, यहाँ तो फायर भी है। वो फायर मैंने प्लान नहीं किया है। काशी प्रसन्न अभिलेश सब लोग यहाँ आ रहे हैं। वॉचमैन, अरे गाड़ी मार लगी जल्दी। अरे एक मिनट रुको, वो आएगा। ए, जल्दी ऑन करो। और कितनी देर, जल्दी करो। अरे यार भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट प्लीज। ए, ऑन करो ना। अरे तुम्हारा पावर इतना ही है क्या? ऑन कर बे काली फ्लोर। अरे ये दरवाजा जाम हो गया है। सर, ये लोग ऐसे जंगली की तरह क्यों कूद रहे हैं? सर, इतना चिल्ला रहा हूँ सर। बोलो, ये तो शूटिंग से बच रहे हैं। उठ क्यों नहीं सकते? इतना चिल्ला रहा हूँ, बाहर आइए सर। सर, बाहर निकलिए सर। सर, भगवान, भगवान जी बचा लीजिए। भगवान जी, भगवान जी बचा लीजिए। और कितनी देर लगेगी? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? जूनियर आर्टिस्ट है क्या? ए, उधर नहीं जाना, फील्ड है, डायरेक्टर सर डांटेंगे। क्या कहा? जूनियर? मैं सीनियर हूँ, सीनियर सिक्योरिटी वाला हूँ, समझे? निकल। गिर गया, होली वाटर गिर गया। ए बेटा, रोना मत, एक ग्लास पानी के लिए इतना रोते हो? पीछे एक टैंकर पानी कितना चाहिए ले लेना। डोंट टॉक अबाउट माय होली वाटर, उसका पावर तुम्हें पता नहीं। ये चलो यहाँ से वार्डन के पास चलते हैं। ए भाई इधर आ, पकड़ इसे, पकड़ना। क्यों बे, जूनियर आर्टिस्ट, एक्टिंग करेगा तू? चलो सर, सर, बाहर के लिए सर। सर, कब से चिल्ला रहा था, आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? मेरे कट बोलने तक बाहर नहीं आना, ये सब बोला था तुमने। सब कुछ ठीक से हो गया ना? मिरेकल, तेरी होली वाटर की वजह से वार्डन बच गए। मिरेकल, छोड़ो। मिरेकल, मेरी होली वाटर से वार्डन साहब बच गए। मिरेकल, शूटिंग में नया लग रहा है ये लड़का, एक्साइट हो रहा है। देखा ना मेरा गन पाउडर कैसा है। सर आप ठीक है ना? सर संभाल के। ठीक है भाई, तूने बहुत बेस्ट एक्टिंग की। सर, 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 सर। एक और जंगली ज्वाइन हो गया उनके साथ। बेबी, बैड वर्ड्स यूज मत करो। मिरेकल, ये तू जाना। बेबी, वार्डन जी बच गए। मिरेकल, कमाली हो गया। बंद कर अपनी बकवास। क्या हुआ? देखो। छी। सॉरी बॉयज,
मेरी वजह से ये सब हुआ है। छोड़ो यार, पेपर भी होता तो क्या हम पास हो जाते हैं? सिनेमे का एक्सक्यूज है, बस ठीक है चलो। ये लोग तो मर जाएंगे सोचा था। ए अजीत, यहां पर क्या हुआ? ए, क्या हुआ है? ए, अजीत रुको, अजीत, अजीत, अजीत क्या हुआ वहां पर? तूने जो कहा ना वही हुआ मेरे अकल। The End, a film edited by Bunty Naidu. वाह क्या बात है, मस्त आई है। मेरे पापा ने देख ली ना तो पूरा स्टूडियो मेरे नाम पे लिख देंगे। दो मिनट का फुटेज और है, उसे भी ऐड कर दो ना। ए, और कितनी है रे? वार्डन भी आग से बाहर आ गया है ना, लोगों में इतना पेशेंस नहीं होगा यार। ए, हो गया कि नहीं? मेरे पास अर्जेंट फोन आ रहे हैं। सर सर प्लीज सर, बस दो मिनट सर। सर ये कैमरा वाला कल से हमारा पीछा कर रहा है सर। अरे वो छोड़ो, हमारा बंदा है, हॉस्टल को पेंट करना पड़ेगा, पेंटर को बुलाओ। हमारी कैंटीन में फूड और कॉफी अच्छी होनी चाहिए अब से, नहीं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। एक और बात, आज से गेट 9 बजे क्लोज मत करना, 10 बजे क्लोज करना। 10 बजे क्यों सर? जो कहा है वो करो, स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा मत करना। समझ में आया क्या? मेरे लिए एक अच्छी कॉफी भेजो। ठीक है सर। सर क्या हुआ आपको? सर क्या हो गया आपको? सर क्या हो गया सर? मिरेकल, मिरेकल, वार्डन जिंदा है, वार्डन जिंदा है। सर को क्या हो गया? सर ये माल कहाँ से लेकर आते हैं? जो बेस्ट माल मैंने पिया है वो यही है। मेरी भी एक ही इच्छा थी, हम तीन लोगों को एक ही सपना आया, वो भी कल रात पूरा हो गया। वार्डन मर गया था, हम सब ने मिलकर बॉडी को उसकी गाड़ी में ही चला दिया। बाप बाप बा, है ना नागा? हाँ गुरुजी। नोलन थैंक्स फॉर द ड्रीम मैन, कल के सपने में इंडिया में ये नशा लीगल होना चाहिए। ए, वार्डन के साथ क्या किया, पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब को इस बारे में बताता हूँ मैं। हम लोगों ने कुछ पढ़ाई नहीं की और वो याद दिलाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं क्या? ये क्या है? ये था मेरा ओरिजिनल प्लान, वार्डन को यहाँ से सिंपली नीचे उतारेंगे, यही सोचा था मैंने। अगर वो तीन नशेड़ी लोग नहीं आते तो राजा तुम भी पास हो जाते। ये क्या सर्विस लिफ्ट है? वार्डन को यहाँ से ऊपर नीचे करने के लिए सोचा है क्या? यहाँ से कुछ हुआ तो वार्डन सच में मर जाएगा। हे अजीत, ए यार पैर कैसा है? कैसा है? अरे, कैसा है? अबे तेरा पैर कैसा है? अरे क्या हुआ? वो कमीना अब तक जिंदा ही है ना? पता है इसमें बेस्ट पार्ट क्या है? हमने जो टॉर्चर किया है वही, ये सब लाइफ टाइम याद रहेगा। वार्डन मर गया। अरे यार, अरे तुम लोग जल्दी करो ना। कम ऑन गाइस। नमस्ते। अबे ये भूत रहा है, मरा नहीं है मैं। चलो आज वार्डन के नाम पे जाम हो जाए। वार्डन के फोन पर माँ के नाम से जो कॉल आता है पता है कौन है? गेस कर सकते हो? अच्छा नागा। अच्छा वो नागा पता नहीं कहाँ लेकर चल गया। हाँ गुरुजी। स्मिता सिंगल टिक नहीं आ रहा है। सरप्राइज। मुझे तो डीपी भी नहीं दिख रही है। ए ब्लॉक कर दिया उसने यार। स्मिता हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे स्मिता। सब लोग ऐसे ही बैठे रहो, मैं स्लो मोशन में शॉट लेकर ऐसे ही द एंड कर दूंगा। ए, अरे तुम ये सब करना बंद करो यहाँ। ये हमारा कैमरामैन निकी। एक अच्छा सिनेमैटिक शॉट लूंगा। ए निकी हटना। ब्रो ब्रो। ए बोला ना कैमरा लेकर पीछे मत आ। अरे चल ना। रुक। सच में पता नहीं है, प्लीज ब्रो। पुलिस। हाँ भाई पुलिस आ गई है। अच्छा वो पेपर लीक हुआ था ना, एग्जाम भी कैंसिल हो गया, परीक्षा नहीं होगी। एग्जाम कैंसिल हो गया। चलो चलो चलो। इस अजीत ने फिर से कुछ किया होगा, मुझे डाउट हो रहा है। ए सच बता, इसमें तेरा तो हाथ नहीं है ना? सच में मुझे पता नहीं है यार, नीचे जाकर देखते हैं। ए बॉयज चीयर्स। अजीत मैं भी आऊं क्या? अबे रुकना, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, ये सब कैमरे की वजह से हुआ है ना। Thank you.
मैडम शॉट ओके। हीरोइन की लाइफ ऐसी हो गई है। मैडम कल सुबह आइटम सॉन्ग है, फेस फ्रेश होना चाहिए। पर आइटम सॉन्ग में मेरा चेहरा क्यों दिखाओगे तुम लोग? ड्राइवर गाड़ी निकालो। ए, वो कॉलेज प्रिंसिपल को क्या हुआ? वो तीन सीनियर्स का क्या हुआ? वो लड़की हॉस्टल में कैसे आई थी? कैसे आई? ये पार्ट टू में। इसमें भी सिक्वल है क्या? ए, एंडिंग में ऐसा ही ट्विस्ट ओके है ना? कांतारा जैसा ट्विस्ट है क्या इसमें? भाई किसी को लीजेंड कैमियो रख ले क्या? आजकल ट्रेंड है कि नहीं? लेजेंड का चाहिए ना। हाँ भाई। हाँ दिखाता हूँ आगे। ये पहली बार हो रहा है कि 18,000 फीट ऊपर इतनी ठंडी में खड़े होकर हम लोग पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। अच्छा दिखने में तो मेमोरी कार्ड जैसा लग रहा है। फिल्म का नाम क्या है? अच्छा हॉस्टल बॉयज। ओके। सारे यंगस्टर्स और छोटे बच्चों ने मिलकर इस फिल्म को बनाया है। यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, फिल्म अच्छी चलनी चाहिए और इन्हें अच्छी सक्सेस मिले। ओके ऑल द बेस्ट। ठीक है कट करना। यहाँ आओ। क्या ये, इसे रिलीज करने के लिए इतनी बिल्डअप की जरूरत थी क्या? हाँ क्या है ये? हॉस्टल बॉयज फर्स्ट मूवी एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ कन्नड़ा। बट ये हिस्ट्री की वर्स्ट मूवी लग रही है। ये फिल्मों का चक्कर छोड़ो और कोई और काम करो। ठीक है एडिट में कट कर लेना। ओके एनीवे जैसा मैंने बताया था ये डायरेक्टर हैं, एक्टर्स ने भी काफी मेहनत की है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। इनके साथ अच्छा हो, फिल्म को सक्सेस मिले। ठीक है अब हो गया ना।